व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सब। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था तो आई थॉट कि एक शॉर्ट माइनक्राफ्ट स्ट्रीम करते हैं। सब लोग माइनक्राफ्ट बोल रहे थे सुबह, सो आई थॉट कि थोड़ी देर और खेलते हैं माइनक्राफ्ट। जस्ट देर आर सम थिंग्स विच आई नीड टू डू ऑन द सर्वर, और इसलिए अभी मैंने कैम ऑन नहीं किया है। ओल मच्छर कहाँ से आ रहे हैं? ओके ए केसी गॉड व्हाट्स अप पुष्पक, हेलो नाउ माइनक्राफ्ट गुड यस ए इनसेन आरजे, सॉरी आज लेट हो गया। अरे ये सेकंड स्ट्रीम चालू की मैंने। ए अंकित व्हाट्स अप, एक मिनट मैं म्यूजिक चला देता हूँ। आल्सो नीड टू टर्न ऑन म्यूजिक। माइनक्राफ्ट साउंड ट्रैक किधर गया? साउंड ट्रैक यस। बहुत लाइट म्यूजिक बैकग्राउंड में चला के रखूंगा, ठीक है। ए केतन क्या हाल चाल, लेट नाइट शो आज? यस अभी पबजी की स्ट्रीम वगैरह ख़त्म करी तो आई थॉट कि चलो एक माइनक्राफ्ट की भी हो जाए शॉर्ट, बट विदाउट अ कैमरा राइट एट दिस मोमेंट। ए सुकु व्हाट्सअप, सो ये थोड़ा सा लाइक पीसफुल स्ट्रीम होगी गाइस, क्योंकि जैसे पबजी खेलते हैं ना तो पबजी के बाद थोड़ा सा लाइक चाहिए होता है कि हाँ थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा रेस्ट वाली स्ट्रीम होनी चाहिए। सो दिस वुड बी वेरी काम स्ट्रीम, बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक चलता रहेगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को म्यूज़िक ठीक सुनाई दे रहा होगा। ज़्यादा नहीं करूँगा मैं लाउड, क्योंकि म्यूज़िक फिर मुझे डिस्टर्ब होता है, इसीलिए देयर वी गो। अगर म्यूजिक ज़्यादा लाउड हो रहा हो तो मुझे बता देना, मेरी आवाज़ से ज़्यादा सुनाई दे रहा हो तो बता देना। न्यू वर्जन है ये? हाँ मतलब नई, मतलब लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, क्योंकि सर्वर पे हम लेटेस्ट अपडेट नहीं कर सकते यहाँ। जो अभी जिस वर्जन पे लॉग्ड है वही चलाना पड़ेगा। बाकी हाँ अब इसी सर्वर पे जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट। बैटल रॉयल भी है ना माइनक्राफ्ट में? नहीं नहीं है, वो तो मॉड्स के थ्रू किसी सर्वर पे चलता है कभी कभी, बट ऐसा नहीं है। मतलब उसके अलग सर्वर होते हैं जहाँ पे वो उस टाइप के मॉड्स चलते हैं ना। अभी क्या हो गया कि ये देखो, मैं एक मिनट पहले बाहर से दिखाता हूँ पूरा ना। ये हमारा बेस का एरिया है जो हमने पूरा क्लीन कर दिया था। यहाँ पर छोटा सा एक ट्री फार्म बनाया हुआ है, दिस इज़ अर कम्युनिटी स्टोरेज, और उसी के ऊपर हमने एक सॉर्ट ऑफ लाइक रेस्ट स्टॉप टाइप का कुछ बना दिया है, जिसमें कि यू कैन गो इन एंड जस्ट स्लीप राइट हियर। सो इसमें क्या हुआ है कि अभी यहाँ पर विंडोज़ वगैरह लगी नहीं है, सो आई नीड टू क्लोज ऑल दीज और इनको, ताकि सिक्योर हो जाए ये, एंड फैंटम्स वगैरह जो है वो रात पे इस पे ना आ पाए, इसलिए आई नीड टू क्लोज ऑल दीज थिंग्स। मेरे पर लैडर थी ना, कहाँ गई? ताजमहल बनाओ इसमें, सब कुछ बना सकते हैं, बनाने को सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज लगती हैं, रिसोर्सेज गैदर करनी पड़ती है पहले, उसके बाद ही आप जो भी चाहो बना सकते हो, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव मोड में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, हम लोग सर्वाइवल मोड में खेल रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, इफ़ यू गो सिंगल प्लेयर, ठीक है, मैं यहाँ एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ, लेट्स चेंज इट टू क्रिएटिव, टाइप रखता हूँ सुपर फ्लैट एंड जनरेट स्ट्रक्चर्स ऑन, ठीक है, इसको नाम देते हैं ऐसे क्रिएटिव टेस्ट एंड क्रिएटिव। तो अभी क्या होगा, ये एक नया वर्ल्ड बन जाएगा और ये पूरा क्रिएटिव में रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्रिएटिव मोड रखा हुआ है इसमें ना। ये होस्टेड नहीं है, मतलब ये वाला नॉर्मल, ये सिर्फ मेरे लोकल पीसी पे ही है, ये और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये मेरे पीसी पर ही है। इट्स लाइक कम्प्लीटली फ्लैट वर्ल्ड एंड इसमें कहीं कहीं यू कैन सी जैसे विलेजेस वगैरह जो होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं। ये देखो जहाँ पे एक विलेज है जो इधर जनरेट हो चुकी है। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे अब ये लगती है माइनक्राफ्ट में कि विलेज का स्ट्रक्चर बहुत चेंज कर दिया है। सो अब विलेजेस में जो हाउसेज होते हैं
वो बहुत ही सही हाउसेस जनरेट होते हैं, और मैंने कलर्स बढ़ा दिए थे तो आपको काफी वाइब्रेंट दिख रहा होगा. ठीक है, नाउ द थिंग इज ये क्रिएटिव मोड है, सो इफ आई प्रेस ई तो इन्वेंट्री में मेरे पास यहाँ सारे ब्लॉक्स हैं. ठीक है ना, सारी दुनिया के ब्लॉक्स हैं. इनके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं लगती हैं, इनको आप जितना भी चाहो एक के ऊपर एक स्टैक करके कुछ भी बना सकते हो. पर्टिकुलर ब्लॉक अगर आपको ढूंढना हो तो यू कैन गो हियर और टाइप कर सकते हो, जैसे इधर मुझे चाहिए स्टोन, फाइन, तो अलग अलग टाइप के स्टोन यहाँ पे आ जाएंगे. नहीं, आई नीड इन्फेस्टेड, एक मिनट, स्टोन ब्रिक्स एंड स्टोन, यू कैन गेट ऑल ऑफ देम. ए क्लाउन ओपी, व्हाट्स अप, सो यू कैन गेट ऑल दीस डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स. अब जैसे ये है, अब इसमें ये हो रहा है कि कोई काउंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब इसमें मैं जितना भी चाहूँ बिल्ड कर सकता हूँ, इसमें रिसोर्सेज की नीड नहीं है. क्रिएटिव मोड में ये होता है कि ये जो होते हैं, ये जो मॉब्स घूम रहे हैं, ये आपको हर्ट नहीं कर सकते. नाउ इफ आई गो हियर टू डिफिकल्टी, इसको अगर मैं कर दूँ पीसफुल, तो जितने भी हॉस्टाइल मॉब्स होंगे, मतलब जो आपको हर्ट कर सकते होंगे, वो पूरे गायब हो जाते हैं. अब सिर्फ जो फ्रेंडली मॉब्स होते हैं सिर्फ वही रह जाएंगे, आप नथिंग कैन हर्ट यू. तो आप क्रिएटिव मोड में ऐसा करके भी चाहो तो बिल्ड कर सकते हो. व्हाट इज दैट, दैट अ कैट, यप दैट्स अ कैट, ओह शी इज सो क्यूट. और इसमें आप फ्लाई कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज, बिल्ड स्टफ. हेलो, मूव मूव मूव. जैसे बना सकते हैं वैसे तोड़ भी सकते हैं जल्दी. सो क्रिएटिव में लोग बहुत कुछ बना देते हैं अलग अलग टाइप का, लेकिन उसमें फिर बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं अगर आप उसको सर्वर पे कॉन्स्टेंटली खेलोगे, या तो फिर आप, क्योंकि उसमें सर्वाइवल का जो एलिमेंट होता है ना वो चला जाता है पूरा. अभी जैसे मैं यहाँ पे नाइट करूं, देयर, तो ये नाइट में ऐसा दिखेगा. लेट्स गो बैक टू माय सर्वर ना, यहाँ पे सर्वाइवल मोड में. ठीक है ना, यहाँ पर मैं अनलिमिटेड ब्लॉक्स नहीं बना सकता, यहाँ पर उतने ही रहेंगे जितने कि मैंने क्रिएट किए हैं या माइन करके रखे हुए हैं. तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. क्रिएटिव वर्ल्ड में आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते. लो, ये बेड पे बाउंस होता है अब. वाह, अच्छा है. गलत लग गया. इसमें उड़ नहीं सकते ना, यू कैन नॉट फ्लाई इन दिस वन. सो अब इसमें आपने गलत प्लेस कर दिया, वो फिर टूटेगा ही ऐसे, लाइक दिस ग्लास तो स्पेसिफिकली टूट ही जाता है. आउच, अच्छा इसमें इधर नहीं जा सकते. ओके, अरे रुक तो जा, आई होल्ड शिफ्ट, रुकता क्यों नहीं. ओके, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, माइनक्राफ्ट में यू जस्ट नीड पेशेंस. जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता वो बिल्कुल नहीं एंजॉय कर सकते. एक और फिर से, यस अभी शॉर्ट स्ट्रीम है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, आई थॉट कि कुछ बिल्ड कर लेते, बहुत दिन से वैसे ही इस पे, इस सर्वर पे ज़्यादा कुछ बिल्ड नहीं किया था, तो आई थॉट कि एटलीस्ट जो स्ट्रक्चर बनाए उनको तो कंप्लीट कर ही लेते. मेरे पास लोल खत्म हो गया, वापस जाना पड़ेगा.
इस वाले मोड में सुपरमैन नहीं बन सकते, नहीं इसमें उड़ नहीं सकते आप, यही तो लिमिटेशन है उसमें। अभी क्या होगा, मैं सुपरमैन बनूंगा तो सब बनना चाहेंगे। ए गौरांग भाई कैसा है, व्हाट्स अप। आज मुझे लग रहा है शाम वाली स्ट्रीम का किसी को नोटिफिकेशन नहीं गया था, मतलब आई थिंक सो। ओके ये वाला हो गया कंप्लीट, यस वाओ बहुत सारा काम है। माइनक्राफ्ट इज द बेस्ट, अरे एकदम शांति वाला है, शांति वाला गेम एकदम, इसमें मेरे को टेंशन नहीं रहती है कुछ भी लाइक अपना जो स्ट्रेस लेवल जो भी होता है ना, लोग बोलते हैं गेम्स खेलने में काय का स्ट्रेस होता है, होता है अरे पबजी वगैरह खेलोगे आप तो एक टेंशन जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, इसमें नहीं है, अपने ऊपर है इसमें सब कुछ। और पता है मैंने अभी बोला था पिछली स्ट्रीम में कि माइनक्राफ्ट खेल के रात को फिर आप सोओगे ना, तो इफ़ यू बिल्डिंग समथिंग गुड तो आपको थोड़ी चैन की नींद आएगी। मतलब मेरे साथ तो होता है सब, बाकी किसी के साथ हो या नहीं मुझे नहीं पता। बनी हॉप करना लो। ऐसा होता बनी हॉप इसमें। ए शिवराज भाई आज स्मॉल स्ट्रीम, शाम को भी तो की थी मैंने, अभी लॉन्ग स्ट्रीम थी 4-5 घंटे की, उस टाइम पे मतलब ज्यादा वॉचिंग थी नहीं, एक बार रेड आई थी किसी की, तो अभी मैं खाना वाना खा के फिर मैं दोबारा स्टार्ट की है स्मॉल स्ट्रीम। लोग आजकल रुकते नहीं ना, लोग बस सब लाइक करके चले जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है यार, पर ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, उधर वाला भी लगा दिया मैंने, नहीं उधर नहीं लगाया, लोल इधर भी सीढ़ियां लगानी पड़ेगी। सी ये आप उड़ के कर सकते हो पूरा, लेकिन इसमें नहीं। ओके अच्छा एक वहां पे रह गया, बाकी ये वाले पार्ट रह गए। आई थिंक 66 यूनिट्स है मेरे पास, हो जाएगा आई गेस। एक बंदा मर गया पबजी खेलते खेलते, इतना टेंशन हो गया उसको, हार्ट अटैक हो गया। अरे वो पबजी मोबाइल है रे, वो पबजी मोबाइल और पबजी पीसी में दुनिया जहान का फर्क है। पबजी मोबाइल अब लॉन्डे लोग आज के समझते ही नहीं, 6-6 घंटे बैठ के खेलते रहेंगे इसी उम्र में तो हम भी खेलते हैं लेकिन मॉडरेशन में खेलते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ जो जिस चीज़ की अति करोगे तो गड़बड़ तो होगी आपके साथ, वो ध्यान ही नहीं रखते लोग। मेरे को तो पबजी मोबाइल पसंद ही नहीं है, ये इसी रीज़न से कि वो कुछ ज़्यादा एडिक्टिव है बच्चों के लिए, मेरे को इसलिए नहीं पसंद है वो। रैंक पुश और ये सब करने के चक्कर में पेरेंट्स से ठीक से बात तक नहीं करते और पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सुबह 6-6 बजे तक बैठ के खेलते हैं, जबकि होना जाना उससे कुछ है नहीं, कोई रैंक पुश करके क्या करेंगे, क्या कोई कॉम्पिटिशन में जाना है, क्या करना है राम जाने क्या करना है, कुछ नहीं होता उससे। वो सोचते हैं मॉडल जैसे बन जाएंगे या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब तो वो बोगस बातें हैं, हर कोई नहीं कर सकता। उस चक्कर में अपनी पढ़ाई का वेस्ट कर लेते हैं और अपने दोस्तों से या पेरेंट्स से घर वालों से बिगाड़ लेते हैं पूरी, दैट्स एक्चुअली कंप्लीटली अनहेल्दी। आज नोटिफिकेशन ही नहीं आया मुझे, अभी आया तो अभी, अच्छा अभी दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट करी तो उसका आया होगा, हो सकता है पहली वाली का नहीं आया होगा, ठीक है वो मेरे को मालूम था कि कई लोग नहीं आए इसका मतलब नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। मैं इसलिए डिस्कॉर्ड पे डालता हूँ यार, अब डिस्कॉर्ड भी लोग चेक नहीं करते तो अब और कहाँ नोटिफिकेशन डालूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मालूम है यूट्यूब से नहीं आता तो एटलीस्ट डिस्कॉर्ड से तो लोग चेक कर ही लेते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो कई लोग इसकी भैंस की टांग, कई लोग डिस्कॉर्ड से ही आते हैं। ओके फाइनल फाइनल ये लग गया, हो गया अपना काम, इधर का काम हो गया बॉयज फाइनली।
दिस रूम इज़ नाउ कम्प्लीट। ओ ऊपर, अच्छा हाँ ऊपर उतना सा पार्ट रह गया, वहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर, पर बाकी का ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो जाते हैं अभी ताकि सुबह हो जाएगी। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, लोल। रैंक पुश रश गेम प्ले वो कुछ नहीं होता, सब बोगस बातें हैं। मैंने आज तक कभी भी नहीं लिखा है रैंक पुश ना ये ना वो, कभी भी नहीं लिखा, मुझे मालूम है उससे कुछ होना नहीं है। रैंक पुश जो है वो एक जो ये जो पर्टिकुलर वर्ड होता है कि अरे रैंक पुश करेंगे, रैंक तो इज समथिंग बाय फंडामेंटल, इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चीज है वो। आप क्या क्या करोगे, आप उसमें कितना करोगे, आप जरा सा कुछ दिन खेलना छोड़ दोगे फिर कोई और आगे निकल जाएगा आपसे। अनलेस यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, फक इट, मत करो। और उसके पीछे अपनी पढ़ाई मत बर्बाद करो, उसके पीछे अपने पेरेंट्स से झगड़ा मत करो। दैट इज दी ओनली थिंग आई कैन से, पर मुझे मालूम है कोई नहीं सुनेगा। मैं तो बैडमिंटन में रैंक पुश गेम प्ले कर रहा हूँ। वो सही है भाई, गुड नाइट, मिलो यार, अब बहुत दिन हो गए। हाँ गौरांग भाई मिलते हैं यार, आई नो बहुत दिन हो गए, कोशिश करते चल वीकेंड पे मिलते हैं एक आध बार। बाय द वे इस टावर से भी पिछली स्ट्रीम में मैं एक बार गिर के मर चुका हूँ। इट्स ह्यूज। चलो मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ से वुड भी निकालनी है, ये वाला पार्ट तो अपना मस्त कंप्लीट हो गया, मेंशन टाइप लग रही है। थोड़ा सा और डेकोरेट करना था उसमें, पर अभी डेकोरेशन का ज़्यादा मटेरियल नहीं है मेरे पास। सो लेट्स सी, देयर इज अ रेल हियर और पावर्ड रेल भी है, कुछ बनाए क्या इसका? एक मिनट, और मेरे पास रेड स्टोन भी बहुत है, आई थिंक बना सकते हैं प्रॉबली। बट मुझे एक्चुअली इस सबसे पहले मुझे ढूंढना है डायमंड, दैट्स एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ये तो अपन बाद में भी बिल्ड कर सकते हैं। आई नीड टू फाइंड डायमंड। डायमंड पिकेक्स अभी इधर रखता हूँ। आयरन थर्टी फोर्टी के मोबाइल ले लेता है सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए, वही तो प्रॉब्लम है। इससे बढ़िया पीसी ले लो, 50K इजी 70 FPS मिल जाएगा। लोग नहीं समझते ना वो चीज़, लोग नहीं समझते हैं वो चीज़। एक मिनट, मैं क्रीपर वाला भी पूरा कर सकता था पर अभी नहीं कर रहा, बाद में करेंगे उसको। ओके आई गॉट आइडिया। स्विमिंग पूल भी बनाना है इधर। हाँ स्विमिंग पूल तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें स्विमिंग पूल। अभी मैं वहाँ वो जो पहाड़ का वो पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ कुछ और बनाने का सोच रहा हूँ। फार्मिंग वगैरह अपनी सब चल रही है बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है इधर। चलो ओके, नेट खत्म हो गया, बाय गुड नाइट। ओके बाय बाय। ऊपर किधर से जाएंगे यार, ऐसा जगह नहीं है। हाँ इधर है, अच्छा इधर भी रूम बन रहे थे क्या?
ओके आई गेस यहाँ पे बनाऊंगा तो सब जगह दिखेगा वो दूर तक. सो लेट्स मेक इट. पर मैं सोच रहा था स्टोन से ही बनाओ उसको रेदर देन कॉबल स्टोन, क्योंकि स्टोन से वो ज़्यादा सही दिखेगा वैसे. हाँ मेरे पास स्टोन है नहीं यार. नहीं वैसे रखे तो हैं. आई हैव टू गो ऑल द वे डाउन देयर, उधर जाना पड़ेगा. वैसे नीचे पानी है, आई कैन जंप. मरना मत मरना मत मरना मत मरना मत. ओके एयरटेल का नेट और सिम दोनों बेकार है. बात तो आपने सही कही है दोस्त. 64 आई गेस इसमें बच जाना चाहिए. लेट्स सी. उठा ले बाबा मेरे को नहीं. क्या है एयरटेल? अच्छा एयरटेल वालों को उठा ले. लोल क्रीपर कैसे आए यहाँ? लोल यहाँ क्रीपर कैसे भाई? इधर कहीं अंधेरा है क्या? तो टॉर्चेस लगी हुई हैं. कौन से अंधेरे में से आया ये पता नहीं. होना तो नहीं चाहिए यहाँ. ग्लास आर के वो मारना पड़ेगा एयरटेल वालों को. मारो मारो निपटा दो साल हुआ. ओके एक मिनट, पर इसमें यहाँ पे स्नो जम जाएगी यार. एक सेकंड. कहाँ गया इसका? ओके गॉट इट. कितने ब्लॉक है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है. ओके पर 8x8 ठीक है, ट्राई करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 8x8. पर अब स्टोन खत्म. लोल इसको फिल कैसे करेंगे? काफी सारा लगेगा यार इसका. मतलब
एक सिल्क टच मिल जाए ना, एक सिल्क टच, ये पूरा पहाड़ खोद डालूंगा, पर मेरे पास है नहीं यार। सिल्क टच में इतना सही काम हो जाता ना। फॉल डैमेज पानी में गिरने पर नहीं होता, फॉल डैमेज वैसे हाँ पानी के नीचे एक ब्लॉक होगा तो हो जाता है। छोटा दिख रहा है वैसे, पर आई गेस ठीक दिखेगा। आई डोंट नो, आई नीड मोर स्टोन्स एक्चुअली। रखना ही पड़ेगा स्मेल्टिंग पे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। आई नीड मोर स्टोन्स। वैसे इतने तो रखे हैं। गन पाउडर कहाँ से आया मेरे पास? अच्छा क्रीपर को मारा था। ओके एक मिनट, मैं पहले सो जाता हूँ जाके, ये फिर रात के टाइम पे बिल्ड करना इज नॉट सेफ। पानी पे वही पानी पे गिरोगे तो नहीं होगा फॉल डैमेज, इसलिए तो वो जो टावर ये दिख रहा है ये, उसके सबसे नीचे मैंने पानी रखा है, वहां से जाके आप नीचे सेफली पूरा नीचे गिर सकते हो। वहाँ पूरा 255 हाइट है उसकी पूरी, मतलब एटलीस्ट इस लेवल तक। ये लेवल क्या है, 80। हाँ तो वो 255 माइनस 80 कर लो तो उतनी हाइट होगी उसकी। इट्स वेरी एक्सट्रीमली लॉन्ग जो टावर है, बहुत दूर से दिखेगा। सो दूर से कोई आ रहा होगा तो उसको हमेशा पता रहेगा कि बेस किस तरफ है, बिकॉज ही कैन ऑलवेज सी दैट टावर। ओके चलो इस बार फाइनली बिल्ड करके आते हैं। मुझे लावा बकेट भी चाहिए होगी दो तीन, तो उसके लिए वापस जाना पड़ेगा, पर वो देखेंगे बाद में। हाँ अभी जाऊंगा ना, पहले इसको बिल्ड कर लूँ पूरा। वैसे इसमें यहाँ गेट लगा देना चाहिए था प्रॉपरली, सो ज़्यादा बेटर रहता इधर रेदर देन दिस, क्योंकि क्रीचर तो आ ही जाते हैं फिर भी। एक्चुअली ये पूरा एरिया पल्लब डेवलप कर रहा है, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता, बस मैं वहाँ एक हेड बनाना चाहता हूँ, दैट्स इट, जिसमें से लावा निकलेगा। वो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। अरे यार मुझे फ्लाई मोड भी नहीं दिया हुआ है यार, फ्लाई मोड होता ना तो थोड़ा इजी हो जाता है काम, बट इसमें क्या है, मुझे ये ऐसे स्टेयर्स बिल्ड करनी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए। खैर अंदर से तो मैं उसको खाली रखूंगा ताकि ज़्यादा ब्लॉक वेस्ट नहीं हो, ऊपर से भी फिल करने की नीड नहीं है, पर लाइट आएगी उसमें विच आई डोंट वांट, इसलिए उसको ऊपर से भी क्लोज करना पड़ेगा। ये पूरा स्क्वायर बनाने में कितनी मेहनत लगती है देखो। कोई मिल गया वाले जादू को बुलाओ लोल। कोई स्ट्रीम देखना ही नहीं चाहता ऐसा लगता है। देखो अभी 10-12 लाइक हो गए होंगे, लोग लाइक करके बस चले जाते हैं, अपने ही वाले लोग, दे डोंट वांट टू सी। तभी तो फिर मेरी फिर इच्छा नहीं होती अब स्ट्रीम करने की, पर फिर गलत लग गया एक। कितने साइड, एक दो तीन, दो साइड रह गई थी यार। लूल फिर से नीचे जाना पड़ेगा, जरा सा भी लेफ्ट राइट गिरता ना मर जाते हैं इधर। क्या पता सोने गए हो, लाइक करके सोने जाता है कोई? हाँ
अरे ठीक है यार, छोड़ो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं वैसे ही सोच के आया था, अभी कोई वॉचिंग करेगा भी नहीं, वैसे मेरे को मालूम है क्या फर्क पड़ता है। चिल मार रहा हूँ, मैं तो अपना सर्वर डेवलप कर रहा हूँ। आई हियर ज़ॉम्बीज़। लूल, यहाँ ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए? घर के बाहर ज़ॉम्बी है बॉयज़। आई गॉट ग्लासेस, इसको इधर पटको, इसकी नीड है। यस, और थोड़े से बचे हैं, चलो लेके ही चलते हैं इसको। जब्बा इज बैक, जब्बा ऑफिस में होगा अभी। अरे कहाँ है रही? आवाज तो आ रही है, किधर? एक मिनट, ऊपर स्पॉन हो गया क्या? अबे बेडरूम में अगर मॉन्स्टर स्पॉन हो गया तो ये प्रॉब्लम है। किधर है साला? लोल, ऊपर तो नहीं इसके कहीं? वाडू हैक भाई साहब, यहाँ कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। आवाज तो यहीं से आ रही है क्या, नीचे है? एक मिनट, मेरे को गेम मोड चेंज करके देखना पड़ेगा। अरे यहाँ नीचे एक चेम्बर है छोटा सा, प्रॉब्लम। प्रॉब्लमेटिक एरिया गाइस। लुल, टॉर्च लगा देता हूँ एक। हाँ, तो नीचे एक छोटा सा केबिन तो सॉर्ट ऑफ बना हुआ था जो कि डार्क था एकदम, और उसके अंदर मॉब्स जनरेट हो रहे थे, तो अभी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया पूरा, तो अब कुछ नहीं होगा उधर, नो टेंशंस। 70 आवर्स ओ एम जी, क्या बात कर रहा है जप्पा। ये मोटल का क्या सीन हुआ था? आई डोंट नो, हैक्स इन ह्यूमन रिएक्शन। ए लिखकर गेम, वाई नॉट फेस कैम? क्योंकि रात हो गई है, तो रात को फेस कैम की क्या नीड है? आई डोंट नो वो क्यों पूछते हैं लोग फेस कैम। अगर फेस कैम इज अ पर्सनल थिंग, अगर किसी को नहीं करना है तो देर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट। ओके, पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ सीड्स, दैट्स नाइस एक्चुअली। चलो आई गेस इतने में हो जाएगा अपना काम। लेट्स गो बैक, जो अपन पर बना रहे थे, लेट्स गो बैक। इसी के साथ चुन्नू मुन्नू को साथ में आउट कर दिया भाई साहब। अरे वो एक्चुअली वो दिखते नहीं ना, क्योंकि आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब वो कहीं ब्लॉक में हिडन है अंदर, तो वो स्पेक्टेटर मोड में जाके देखना पड़ता है। स्पेक्टेटर मोड में आप किसी को टच नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट आप देख सकते हो कि लाइक कहाँ पे आपको जाना है। आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ, वो तो मैं जस्ट जनरली बोल रहा हूँ, आई एम वंडरिंग वाई पीपल आस्क, बिकॉज एवरीबडी आस्क। जिस दिन लिखो ना नो कैम, उस दिन एवरीबडी आस्क की वाई नो कैम। डोंट बी एंगर। अरे कौन एंगर हो रहा है भाई, मैं एंगर थोड़ी हो रहा हूँ, मैंने कब बोला? लोल, इसको एंगर बोलते क्या? एंगर नहीं है भाई, एंगर क्यों होगा? व्हाई वुड आई बी एंग्री?
जनरल डिस्कशन नहीं कर सकते क्या? उसमें भी आपको लग रहा है कि मैं एंग्री हो रहा हूँ? ओपन माइंड रखो यार थोड़ा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बात करने में। यह है जब उसके व्यूअर्स उससे मिलने आया था तो उसने बोला कि जब तुम आते होगे ना क्या घर के बाहर बिस्किट लेकर, तो डॉगी कैसे आता है? आया मतलब मैं समझा नहीं केतन तू क्या बोलना चाह रहा है, मोटल ने कुछ ऐसा बोला या क्या? आई हैव नो आइडिया। हे लाइबा व्हाट्स अप गाइस, आप लोग कोई भी इमोटिकॉन डालते हो ना मेरे को नहीं दिखते हैं, क्योंकि मेरे क्रोम में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो जो भी इमोट्स वगैरह डालते हो ना आप चैट में, मेरे इसमें सिर्फ डॉट दिखाई देता है। अभी वो 2 दिन पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, अभी फिर से आने लगी है, आई डोंट नो व्हाई। Ouch. Okay, so finally ये पार्ट मैंने क्लोज तो कर दिया। बाहर से एकदम बॉक्स दिखेगा सिर्फ, नथिंग एल्स। अभी एक लाइट लगाते हैं अंदर पहले ताकि मॉन्स्टर नहीं आए। ओके इट वॉज अ स्माइल इमोजी। अच्छा अरे मेरे इसमें कुछ बग है, वो मेरे पूरे सिस्टम में मतलब इमोजी कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं, तो पता नहीं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्यों हो रहा है ऐसा। आई विल डू इट वेरी सून। एक मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाले ब्लॉक टूटेंगे, और कौन सा, ये वाला ब्लॉक नहीं, एक, अरे एक ही तोड़ सकता हूँ। ठीक है, I guess that will work. This can work. वैसे एक टॉर्च लगा देता हूँ, जस्ट लाइक मॉन्स्टर जनरेट नहीं हो इसलिए, पर इसके अंदर आना ही नहीं पड़ेगा आपको। जस्ट मेक दिस एंड दिस, क्लोज हो गया पूरा, फाइन। नाउ लोल, ये दूर से ना जी भूत जैसा दिखेगा। ओके मुझे लावा लेके आना पड़ेगा। कितने चाहिए, एक, कितने ब्लॉक्स हैं, 1 1 2 3 4 चार बकेट मेरे को लावा लेके आना पड़ेगा अब कहीं से। वैसे लावा यहाँ है बट सोर्स सिर्फ उसका एक ही है, यहाँ से नहीं ले सकता, पल्लव मेरे को मर डालेगा, कहीं और से लेना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट, शिट, ये कैसे हुआ, मैं तो पानी में कूदा था। अरे यार पता नहीं, कस्टम इमोट्स आने वाले हैं इसलिए। ओके हैक कर लिया सिस्टम आपने, लोल। व्हाट आर यू मेकिंग? मैं वहां पे एक स्केलेटन हेड सॉर्ट ऑफ बना रहा था। अरे यार ये क्या हुआ, मैं मर कैसे गया उधर? लूल हो गया मेरे साथ, सर्वर लैग आया मेरा।
देखो वो दिख रहा है ऊपर एक फेस टाइप बना हुआ है, मैं सोचा था उसके वो जो फेस दिख रहा है उसमें से लावा गिरेगा नीचे, दूर से दिखेगा वहां से, उसमें से लावा गिरेगा नीचे, वो बनाना था मेरे को, पर उधर पंगा हो गया मेरे साथ, इधर मैं स्कैम हो गया। मतलब मर कैसे गया यार, मैं तो पानी में कूदा था, लावा से नहीं मरा मैं, आई गेस यहाँ कूदा नीचे पर वो पानी की जगह किसी सॉलिड ब्लॉक पे गिर गया मैं। हाँ पानी की जगह सॉलिड ब्लॉक पे गिर गया था। ओ शिट, यहाँ पे तो लावा। ओ ओ ओ ओ भाई 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 भाई, नो 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 नो। ओके मेरी आइटम्स तो मिल गई, पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ आइटम जल गई होंगी इधर, क्योंकि नीचे लावा है इधर। पल्लव को मैंने बोला था मत बना इधर लावा, लेकिन वो समझा ही नहीं। हे पुलकित, लावा कहाँ पर गया? अरे यार फालतू में मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट ही चले गए। एक्चुअली कितनी बार तो कूदा था मैं अभी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं वहाँ इधर। पर अभी इस बार जब मैं कूदा गलत जगह टच हो गया, लूल। फिर से इन्वेंट्री जमानी पड़ेगी। अच्छा डायमंड पिकेक्स तो मैं लेके ही नहीं गया था। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा मेरी डायमंड पिकेक्स गायब हो गई, एक ही तो डायमंड पिकेक्स मिली थी, ले देखे। हाँ अभी ठीक है। ए रजिंदर किंग, व्हाट्स अप? लावा लेके आना है, चलो लावा लेके आते हैं गाइस। लावा रेजिस्टेंट व्हीकल समथिंग, एक लावा रेजिस्टेंट पोशन होता है इसमें, वो बना सकते हो आप। वो पी के, पोशन पी के आप लावा में कूद जाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा। अभी मेरे को 4 बकेट लावा लेके आना है, सो लेट्स गो गाइस, लावा लेके आते हैं अपन। मुझे पता है कहाँ मिलता है, उसके लिए केव में जाना पड़ेगा। लावा कैसे लाए ऊपर से नीचे? सीढ़ियाँ क्यों बनाई हैं कोने में? ये ऊपर जाने के लिए, वो क्योंकि अपनी मैंशन टाइप बन गई ना उधर, तो बेड्स वगैरह लगे हुए हैं पूरे उसमें इसीलिए। बाकी लावा तो जिस ब्लॉक पे आप रखोगे वहाँ से नीचे बेहतर रहेगा। मेरे को वो जो वो माउथ टाइप दिख रहा है ना वो सामने, मेरे को उस पे लगाना है ताकि वहाँ से नीचे आके वो गिरे उधर, या फिर भले ही उतने एरिया में इकट्ठा हो जाएगा चलेगा, पर लावा चाहिए तो सही ना, तो 4 बकेट लावा लेके आना पड़ेगा मेरे को। अकेले अकेले, वाह। अरे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चालू किया। अरे नहीं 45 मिनट्स हो गए, आ रहा है तो आ जा। नेमिस्टेसिस, आ रहा है तो आ जा। डायमंड पिकेक्स, अरे डायमंड पिकेक्स मेरे पास एक ही है, वो मैंने अभी रख दी, क्योंकि और वो भी बहुत डैमेज हो गई है, क्योंकि डायमंड मिल ही नहीं रहा ना, 3 डायमंड मिले थे तो एक ही पिकेक्स बनाई थी। नो क्या, जो विल लोड गेट के पास है क्या? व्हील लोड गेट मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात। ओ यहाँ पे भी है रेड स्टोन। एनीवेज हाँ इधर भी है लावा, यहाँ से भी ले सकता हूँ मैं। एक दो तीन चार हो गया गाइस, अपना काम हो गया, अपने को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। 4 बकेट लावा मिल गया मेरे को। ना ना ओपी खेलू करूँ मैं, कॉल क्या कॉल खेलता हूँ? अबे तू यार ठीक से बोलो यार सब लोग यार, एक तो इतनी मुश्किल होता है चैट पढ़ना। जो गोल गोल ऊपर जा रहा है, अच्छा वो तो ऐसे ही, वो शो के लिए, वो स्पाइरल टावर बनाया मैंने इसलिए कि दूर से लाइक दिखता रहे। वो डायमंड माइन फाइन करनी थी, अभी डायमंड माइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, वो तो डायमंड अलग अलग ही मिलते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ से नीचे गया था, मुझे से 5 डायमंड मिले थे, उसकी मैंने एक पिकेक्स बना ली थी। अभी जो लावा मेरे को मिला है उसको अपन लेके जाएंगे ऊपर, उससे पहले ग्लास भी चाहिए, सो ग्लास यहाँ से ले लेता हूँ मैं। हीजी बनी हॉप, इसमें तो आप तेज भागो और स्पेस दबा के रखो, ये देखो तो बनी हॉप करता रहता है, लेकिन उससे हंगर बार बहुत जल्दी कम होता है अगर आप ऐसा करोगे तो। वैसे दो जगह पे डायमंड्स ही मैंने अलग करके रखा है, पर कहाँ है भूल गया, तो वो कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लेता ना यार, तो अपन जाके निकाल लेते उसको।
डायमंड तो ढूंढना बहुत जरूरी। मैं सोच रहा हूँ इधर कहीं एक स्ट्रिप माइन का एरिया बना देता हूँ उधर पीछे ही कहीं पे। पर अपन अभी बहुत ऊपर है, वी आर लाइक 80 लेवल पे हैं, तो नीचे जाने में बहुत देर लगती है वहां से। अरे यार ये तो इधर कुछ है ही नहीं। मुझे लगा हैक्स है। नहीं, हैक्स नहीं है, एक ब्लॉक का ही था। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है, वो तो ढूंढ लेंगे। स्ट्रिप माइनिंग करेंगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे, पर स्ट्रिप माइन पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी ना कहीं तो। ए हिटमैन, आई जस्ट स्टार्टेड दिस गेम टुडे। क्या बात है। ओके सो पहले मुझे यहाँ एक एक मिनट। मैं एक कलेक्शन पॉइंट बना देता हूँ यहाँ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट द लावा टू गो फ्लोइंग ऑल द वे डाउन, क्योंकि 4 ब्लॉक लावा मतलब वो फैल के पूरा वहाँ तक जाएगा एंड इट विल बी डेंजरस। तो बेटर है कि यहाँ ये 4 ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं इनको मैं लाइक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो लावा गिरेगा ऊपर से बट इट विल स्टॉप। ओके यहाँ वैसे ग्लास की नीड ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हम डाल सकते हैं। 4 इसलिए कि कम से कम 4 सोर्सेज रहेंगे उसमें लावा के। सो 1, 2, 3, 4। ओके पर आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। एक मिनट में पहले अंदर जाता हूँ इसके। एक काम कर सकते हैं यार, एक काम हो सकता है इधर। सी अगर यहाँ मैं रख दूँ ग्लास, तो इधर भी लावा रख सकते हैं हम अंदर, राइट एट दिस पॉइंट। हाँ इधर लावा रख सकते हैं, मतलब मुझे 2 बकेट और लाना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ता है यार। इस बार पानी में नहीं गिरा ना तो इस बार मरूंगा मैं। सीधे सोर्स पे कूदो। वाह ओके बच गया। फोन में ठीक है, गेम खेलना नाइट में शो करना इसका अभी करता हूँ ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रुको मुझे 2 बकेट और लाना पड़ेगा लावा, अभी लेके आता हूँ। मेक इट फ्लो डाउन प्लीज। अरे नीचे देखो वो इतना सा दिख रहा है, वो नाइट में सही दिखेगा वो, पर अगर पूरा नीचे तक आएगा ना तो वो यहाँ तक फैल जाएगा। इट डजन लुक ऑल दैट गुड, और डेंजर भी है वो थोड़ा, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। वन टाइम मेक इट फ्लो डाउन। अरे यार ऐसा मत करो यार, मेरा घर बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट लोगे? अच्छा हाँ ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आलू खा लो पहले। अभी 2 बकेट और लेके आनी पड़ेगी मुझे लावा की। एटलीस्ट उसकी आईज में लगा देंगे तो वो दूर से चमकेगा ना, अच्छा दिखेगा फिर। आउच। ए राजीव भाई आज दोबारा से, अरे शॉर्ट स्ट्रीम है, थोड़ी देर का टाइम है मेरे पास, तो आई थॉट कि चलो माइनक्राफ्ट खेलते हैं। ए बर्सर्कर क्रम यूज नो क्लिप, व्हाई? सर्वाइवल सर्वर यार, व्हाई शुड आई यूज नो क्लिप? चीटिंग नहीं करनी है इसमें मुझे, गोस्ट राइडर 3 में पक्का रोल मिल जाएगा इसे। सही है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना देनी चाहिए थी सच में। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि यहाँ बार बार आना पड़ेगा। अभी एक स्ट्रिप माइन बना लेंगे ना प्रॉपर, तो फिर आई थिंक यहीं से बना सकते हैं, पर ये बेस के थोड़ा दूर है, थोड़ा बाहर है,
स्ट्रिप माइन में सोच रहा था बेस के अंदर से ही स्टार्ट करते हैं। पिछले सर्वर में बनाई थी बहुत, और उसमें बहुत सारे डायमंड्स ढूंढने थे लोगों ने, सो बनाएंगे अभी, पर पहले सोच रहे हैं नदर में होके आते हैं। देखो कैसा दिख रहा है ऊपर, उसकी आईज भी जलती हुई रहेंगी ना तो और अच्छा दिखेगा। स्ट्रिप माइन क्या होता है? स्ट्रिप माइन ऐसा क्या है, थोड़ा ऑर्गेनाइज टाइप की माइनिंग रहती है। अभी क्या है, जैसे केव में जाके आप माइन करोगे ना, उससे बेटर तरीका रहता है कि आप स्ट्रेट मतलब डायगोनली नीचे जाती हुई एक कस्टम माइन आप बना लो, उसमें फिर आप खुदाई करते हो जाके। अरे ऊपर जाना था, तो उसमें क्या होता है, सेफ रहता है माइन करते वक्त, और उसमें ब्रांचेस बना बना के एक के बाद एक अलग अलग टाइप से माइनिंग कर सकते हो आप। उसमें रिसोर्सेज जल्दी मिलती है और बहुत सारे लोग एक साथ कर सकते हैं उस चीज़ को। अभी साला पहाड़ के ऊपर कुछ बनाओगे तो पहाड़ पे तो जाना ही पड़ेगा ना, वो भी बार बार पोटेटो खाना पड़ेगा। ओके नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी, मुझे यहाँ पे 1 2 यूज करना पड़ेगा फटाक से, क्योंकि एक मिनट, मुझे लावा प्लेस करते से ही मुझे उसको बंद करना पड़ेगा एकदम से ही। यस हो गया काम, डन, वी आर डन हियर बॉयज, लेट्स गो। बंद कर देते हैं इसको एंड मैं यहाँ से नीचे कूदूंगा, फिर होप कि मर ना जाऊं कहीं। ओके अभी अपन रात का टाइम है, अभी दूर से देखेंगे कैसा दिख रहा है। वेल डजंट लुक सो बैड, पर वो लावा जो है लावा एक्चुअली रेड नहीं है ना, इतना नोटिस में नहीं आ रहा है वो, बट ठीक है, कुछ तो बनाना था मेरे को वहाँ, या फिर उसको ब्लैक ही रखना था पूरा। चलो देखेंगे बाद में, अभी मैं जाके सोता हूँ पहले ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबसे पहले तो ग्लास रखो, बकेट्स, लावा बकेट है तो ध्यान से। पेंट का डब्बा डाल दो वैसे, हाँ डाल सकते हैं वो रेड, क्या बोलते हैं जो वो मिलता है ना, रेड स्टोन बना के डाल सकते हैं, लेकिन वो चमकेगा नहीं अलग से। लावा मुझे लगा कि थोड़ा लाइक दिखेगा, लेकिन वो क्या है, एक एक ब्लॉक पीछे है उधर, तो वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली। वो सिंगुलर कलर में हो गया आई गेस, उसको थोड़ा सा अलग रखना था अलग ब्लॉक्स में। चलो बाद में उसको कर देंगे हम थोड़ा सा, जब दूसरे टाइप के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो बस वो कुछ बनाना था उधर, मुझे लुकिंग लाइक एम्प्टी। अब क्या करूं? यस हाँ, स्ट्रिप माइन के लिए एक जगह बनानी थी। सो स्ट्रिप माइन के लिए वुडन वुड से स्टार्ट करते हैं हम। क्या बाल्टी में लावा भी आता है? हाँ माइनक्राफ्ट में सब आ जाता है। सो स्ट्रिप माइन किधर बनाएंगे, किधर बनाएंगे? बहुत खोदना पड़ेगा लेकिन स्ट्रिप माइन के लिए, बहुत ज़्यादा। अभी अपन 80 लेवल पे हैं, 80, 80 इज वे टू मच। एटलीस्ट उस लेवल पे होता वहाँ तो जल्दी बन जाएगा, पर मैं बहुत दूर भी नहीं बनाना चाहता कि लाइक उससे फिर बहुत देर तक लाइक यू नो बहुत भाग के आना पड़े। स्ट्रिप माइन थोड़ा लाइक पास होनी चाहिए। क्या करें क्या करें? हाँ यहाँ बना सकते हैं, दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट स्पॉट फॉर इट।
आई थिंक दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर इट. लेट्स स्टार्ट हियर, यहीं पे बनाते हैं. मैं सोच ही रहा था इस स्पॉट का कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे इधर, सो लेट्स मेक समथिंग हियर. सो अभी कॉबल स्टोन यूज़ करूँगा मैं, नॉट द एक्चुअल स्टोन, यूज द कॉबल स्टोन. और एक मिनट, एक क्राफ्टिंग टेबल भी मैं यहाँ रख ही लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी. एक मिनट, कैसे बनती है वो फेंस? नहीं, ये तो गेट बन गया, गेट नहीं बनाना है. ओके, गॉट इट, गॉट इट. यस, सो लाइक 1 2 ज़्यादा बनेगी वैसे ऊपर तक. एक्चुअली बहुत डिस्टेंस पे मैं बनाना नहीं चाहता, पर क्योंकि उसमें बहुत नीचे तक लाइक डिग करना पड़ता है, इसलिए भी. ठीक है, तो आई गेस 4 तक की हाइट यहाँ पे सही रहेगी इधर. आउच, साल 4 ब्लॉक गिर के भी लग जाती है यार, ना वीक है कैरेक्टर. Okay, fine. I mean, it's some wood. I guess एक ही place हो जाएगी तो बाकी तो फिर लगा सकते हैं. Yes. Ah, गलत लग गई. सनलाइट इतनी ग्लेयर हो रहा है ना, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था ऊपर. किसी को नहाते टाइम लावा बकेट दे दो, लोल. नैरोलैक का डब्बा यूज करना, लावा प्रूफ. चौनप्राश का एक स्पून सुबह और शाम को हीट करो. सही है, मैं बहुत खाता था चौनप्राश जब मैं छोटा था, खतरनाक लेवल पे खाता था मैं. ऑलमोस्ट नशा था मेरे को उसका, पेट दुखने लगता था लेकिन फिर बाद में. नहीं, एक मिनट, ऊपर कौन सा ब्लॉक आएगा? वुड वाला ही लगाना पड़ेगा. कूद कूद के लगाना पड़ता है, हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई उसकी इसलिए. ओके, सो आई गेस ये दो फेंसेस बनाई थी, सो वो भी लगा देते हैं इधर. जस्ट थोड़ा लाइक दिखना चाहिए कि लाइक यू नो, या इसके आगे माइन वाइन सॉर्ट ऑफ है, कुछ फील आना चाहिए बस. ये टेक्सचर पैक बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम कुछ भी कहो, एकदम मजेदार टेक्सचर पैक है ये.
नॉट बैड एक्चुअली. अब मेरे ग्लासेस भी हैं, मेक सम पैनल्स. अरे यार मैं ज़्यादा पैनल बना ली, ग्लास वेस्ट हो गए सारे. चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे ग्लास और. ग्लास लगाने से ये कि रोशनी अंदर आती रहेगी, बट इधर मॉब्स वगैरह नहीं आएंगे बाहर से. अभी ऊपर का एरिया पूरा जो है उसको क्लोज करना है, सो विल यूज वुड फॉर दैट. एक मिनट, अगर मैं एक ब्लॉक ऊपर खड़े हो जाऊंगा ना, दो ब्लॉक, तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये. अरे कम ऑन यार, ये शील्ड होती ना हाथ में तो कोई काम ही नहीं होता. देखो बिना शील्ड के आप यहां से भी प्लेस कर लेते हो, शील्ड होती है हाथ में तो आप प्लेस ही नहीं कर सकते, ब्लॉक करने लगता है शील्ड से. माइनिंग करनी है अब? यस, अभी माइनिंग के लिए स्पेस बना रहा हूँ. यहाँ से नीचे स्ट्रिप माइन बनेगी. ज़्यादा दूर नहीं बनाना चाहता था और एकदम पास भी नहीं बनाना चाहता था, तो ये एकदम सही वाला स्पॉट है इधर. लेकिन यहाँ से अब नीचे के लिए डिक करते हुए स्पॉट बनाना पड़ेगा एक. लेट्स पुट सम टॉर्चेस. ओके ये हो गया. अच्छा लग रहा है ना? ओके मेरे को बॉर्नविटा बहुत पसंद है. मेरे को भी बॉर्नविटा बहुत पसंद है. ओके ग्लासेस थोड़े ज्यादा ही हो गए, बट ठीक है चलेगा. एक मिनट, अभी इसकी नीड पड़ेगी, अभी इसकी नीड पड़ेगी. वुड अभी रख लेते हैं, वुड एक्चुअली थोड़ी खत्म हो गई है, सो अभी और बना लेंगे. क्राफ्टिंग टेबल ले जाता हूँ मैं, दो वहाँ पे रख देंगे, तीन इनफैक्ट, क्योंकि नीचे भी करनी पड़ेगी. चेस्ट, यस डेफिनेटली नीड चेस्ट. एंड फेंस कहाँ गई? लो एक डोर था ना, या फेंस डोर गायब हो गया. मेरे को बनाना पड़ेगा, दो बनाने पड़ेंगे इधर. एक मिनट, स्टिक सबसे पहले तो स्टिक. ओके दो डोर बन गए, लेट्स गो. शाम हो रही है, पहले सो जाता हूँ, दिन में काम करना सही रहता है. गुड मॉर्निंग. ओके एक सिंगल चेस्ट इधर, सिंगल चेस्ट इधर. ये एक मिनट, सेंटर पॉइंट कौन सा है? सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है. सो आई डिग हियर. तीन, ठीक है, तीन की गैप बना के चलेंगे यहाँ पे. अब ये ध्यान रखना है इसकी, यहाँ बहुत सारा खोदना पड़ेगा नीचे. आप देख रहे हो ये यहाँ पर, आप देखना ये इसमें. एक मिनट मैं कैसे दिखाऊं, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट हियर एक्स वाई जेड लिखा होता है. वाई जो होता है, वाई बीच में जो ये वैल्यू आती है, वाई का मतलब ये कि आपकी कितनी हाइट है अभी वर्ल्ड में. सो वी आर करंटली एट 75, अगर आप लोग देख पा रहे हो ये, दिस वी आर करंटली एट 75 जो कि लिखा होता है. सो नीचे अपने को जाना है 11 12 तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 11 12 के बाद नीचे डायमंड मिलना शुरू हो जाता है. तो ये जो तीन लेवल का है, ये पूरा वहाँ तक डिग करना पड़ेगा, तभी फिर आप आगे लाइक स्ट्रिपिंग सॉर्ट ऑफ जो भी आपको करना है वो कर पाओगे.
सो इसको पूरा लाइक वहां तक आगे बढ़ा देंगे। I think it was a good idea, but the best way to get the best way to the UK and Ireland and Wales with the register number is the best way for a while to find the contact page and click here for view this. What? What the hell are you typing? Kuch to bhi. Are you high? ओके सो अब यहाँ से सिर्फ नीचे 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 ओनली नीचे 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 की तरफ ही जाना है अपने को। सो यू हैव टू जस्ट कीप डिगिंग बट लेवल्स में लाइक गैप बना के रखना है थोड़ा, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे क्विकली ऊपर नीचे आने के लिए अपने को स्टेयर्स भी लगानी है इधर। सो हाइट जो है वो ये इतनी हाइट तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आप इजीली लाइक ऊपर नीचे जा सको। यूजुअली स्ट्रिप माइन बनाने में थोड़ा सा देर लगती है, कई लोग सिंगल ही बनाते हैं, पर मैं थोड़ा लाइक ब्रॉड रखना चाहता हूँ उसको, ताकि मल्टीपल लोग आराम से आ जा सकें जल्दी से ऊपर नीचे। सो वैसे एक सिंगल नीचे तक जाओ पहले बेस्ट तरीका वो रहता है, उसके बाद यू कैन लाइक ड्रैग करके आ सकते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट यहाँ आई गेस ज्यादा खोद दिया था मैंने एक लेवल, ये इतना आना चाहिए। अभी ठीक है, क्योंकि इसमें वो भी तो लगेगी ना, स्टेयर्स भी तो लगानी पड़ेगी यहाँ, है ना, और इधर अंधेरा भी रहेगा थोड़ा। सो लेट्स पुट सम टॉर्चेस हियर। ओके रात में इधर आओगे ना तो बहुत डर लगेगा नीचे जाने में। जस्ट एक थोड़ा फैंसी एंट्रेंस बनाइए, नथिंग एल्स, ये सब बनाना ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक थोड़ा फैंसी एंट्रेंस लगनी चाहिए। ये इसलिए रखा है कि कुछ एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह अंदर जाने से पहले अगर आप भूल गए हो तो विल स्टोर देम हियर एंड हियर, दैट्स इट। अभी देखो एक अंदर एक बाहर थोड़ा सिस्टम चाहिए। थैंक्स फॉर योर हेल्प एंड एडवाइस ऑन द फोन, इज ऑलवेज गुड टू सी द फुल वर्जन। अच्छा हाँ, अरे क्राफ्टिंग टेबल लेके गया था, लोल मैंने लगाई नहीं वहाँ पे, यही लगानी चाहिए थी। डायमंड पिकैक्स, ये कौन सी डायमंड पिकैक्स रखी है यहाँ पे लोल? आई डोंट नो अबाउट दिस। वेल है तो अच्छी बात है, बट कहां से आई है? आई डोंट नो, फेदर यहां किसने रखा है यार? टॉर्चेस खत्म हो रही हैं।
एक काम करता हूँ, पहले सिंगल बनाता हूँ पूरा नीचे तक, ठीक है? एटलीस्ट पता तो लगेगा यहाँ है क्या। थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बट आई हैव टू पुट सम टॉर्चेस। आई हैव टू मेक श्योर कि वो एग्जैक्टली एक एक लेवल ही नीचे होना चाहिए, यू नो। अगर वो मैंने यहाँ गड़बड़ की तो पूरा नीचे तक रिपीट होते हुए जाएगी। सो इट्स बेटर कि मैं कुछ बना लेता हूँ यहाँ। वन सेकेंड, ओ माई गॉड, नेट चल पड़ा फिर से, क्या बात है। ओके, सो यहाँ पर एक और स्टेयर लगी। हाँ सही जा रहा है, एक एक गैप ही होनी चाहिए। अगर दो गैप हो गई वहाँ पे तो जो स्टेयर नीचे की तरफ है वो सही नहीं लग पाएगी। आई हैव टू मेक श्योर कि गैप्स एकदम सही रहे, ओनली सिंगल सिंगल गैप होनी चाहिए ना। देखो यहाँ आयरन मिला है, मैं 5 मिनट से, क्या 5 मिनट से बफर हो रहा था। अच्छा कौन से लेवल पे आ गया, 51। बाप रे, अभी तो बहुत खोदना है, बहुत नीचे तक जाएगी ये। पर 11 या 12 लेवल पे पहुंच के जब डिक करते हैं ना, तो उधर फिर आपके पास ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं डायमंड और क्या बोलते हैं, आयरन तो खैर मिल ही जाता है, गोल्ड और एमरल्ड वगैरह ये सब चीज़ें। तो कई लोग 15 पे भी बनाते हैं, बट 11 इज़ अ वेरी गुड लेवल। नाउ यहाँ पे एक रेल सिस्टम भी हम बना सकते हैं। कौन से लेवल पे आ गया, 34। ओके, क्या फाइंड कर रहे हो, शाइन ब्राइट लाइक डायमंड। उप्स टूट गई, मैं स्ट्रिप माइन बना रहा हूं भाई। डायमंड वाली से क्या फटाक से टूटता है रे, सब मजेदार है। ट्वेंटी फोर लेवल पे आ गए बॉयज, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर दिख रहा है, अच्छी बात है। एकदम परफेक्ट लाइन में जा रहा है सब। आई नो थोड़ा डार्क हो जाता है तो इसलिए मेरे को टॉर्च लगानी पड़ती है, फिर शेडर्स लगा के खेल रहे हैं ना, तो जनरली लाइट से दूर जाओ तो डार्क हो जाता है थोड़ा सा। 16 पे आ गए, वी आर वेरी क्लोज। एंड दिस इज 12, मुझे जाना है 11। ओ देखा, 11 पे लावा निकला है यहाँ। दिस इज टू क्लोज, दिस इज टू क्लोज। आई गेस 12, 12 पर ही ठीक है फिर। सो वी हैव टू स्टॉप दिस राइट हियर।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओ शिट सिल्वर फिश दिस होल एरिया इज एक्चुअली फिल्ड विद लावा आई गेस हे आकाश व्हाट्स अप होली सांप लो डायमंड पिकेक्स से बहुत जल्दी काम हो रहा है. हाँ और डायमंड पिकेक्स एक और चीज़ है, डायमंड पिकेक्स पे आप लगा लो एफिशिएंसी 5 का जो एन्चेंटमेंट होता है तो फिर तो वो गॉड लेवल पे एकदम फास्ट चलेगी. डायमंड हंटिंग करे बाबा. नहीं डायमंड हंटिंग नहीं, मैं वो स्ट्रिप माइन की एंट्रेंस बना रहा हूँ. ओ यहाँ पे वो मिल गया आयरन. मैंने थोड़ी सी लाइक बना दी है इधर, बस अब उसमें इसको वाइड करना है थोड़ा. ये देखिए यहाँ तक तो बना दिया, तो अब यहाँ से सीधे डायरेक्टली नीचे जा सकते हो वहाँ पे. पर वो ये जो वन लेवल पे है इसको दोनों तरफ थोड़ा सा वो कर देंगे, ब्रॉड कर देंगे एंड इस वाले साइड पे एक रेल लगा देंगे तो ऊपर नीचे आना बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ से. अभी मैं रिसोर्सेज थोड़ा रख के आता हूँ. और एग्जैक्टली लाइक 12 लेवल पे गए और वहाँ पे लावा निकल आया नीचे, खतरनाक था वो. अरे ये मैं क्यों रख रहा हूँ, लेके चलनी है बिकॉज इससे लाइक स्टेयर्स बनानी है वहाँ से, इसको थोड़ा रखना पड़ेगा मेरे को उधर भी. आयरन आयरन इधर रख देता हूँ मैं, अभी स्मेल्ट हो जाएगी सुबह तक एंड विल गो एंड स्लीप. ये अच्छा हुआ कि यहीं पे बेड बना दिए हैं ताकि जल्दी से फटाक से सो सके. टावर पे जाना, अरे बहुत देर लगती है टावर पे जाने में. ये ना ये ऊपर चढ़ के जाओ तो बहुत ज़्यादा देर लगती है. मैं फ्लाई करके जा सकता हूँ. फ्लाई करके ज़रूर जा सकता हूँ मैं. सो एज यू कैन सी एग्जैक्ट 4x4x4 का बना हुआ है. तो अगर आप यहाँ से नीचे से देखोगे तो ऊपर आपको चक्कर आ जाएंगे. वो देखो पर जब ऊपर से कूदते हैं ना नीचे तो उसका भी अलग ही मज़ा होता है. विच एडिशन एडिशन इज दिस जावा? यस जावा एडिशन है. ओके गाइस सो एक मिनट आ लेट मी ओए गिरना मत भाई भाई भाई. चेंज इट बैक टू सर्वाइवल मोड. सर्वाइवल नहीं सॉरी, मैं आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. मैं क्रिएटिव में जाता हूँ, फिर से सारी आइटम लॉस्ट हो जाएगी अगर मर गया तो. सो दिस इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट हियर. ये मैक्स लेवल है, इससे ऊपर आप बिल्ड नहीं कर सकते. अभी आप देखोगे आई एम एट 256 लेवल, इससे ऊपर कुछ भी बिल्ड नहीं होता है. तो मैंने यहीं तक इसको बिल्ड किया है, बट यहाँ से कूद ही मार सकते हैं नीचे. फटका कैसा लगा था ऊपर से. अबे तू कल मिल बेटा, तेरे को मैं नीचे गिराता हूँ. मैस मार दो और लेदर लेके आइटम फ्रेम बना दो, बहुत कन्फ्यूजन होता है. हाँ हाँ बनाऊंगा अभी. ओके गाइस यहाँ से कूदेंगे हम. सो 3 2 1 कूदो. अच्छा था. गॉड ऑफ वॉर वन वाला सीन करो, जंप करो. वो मैंने बनाया है इसलिए, और एग्जैक्ट डिमेंशन पे इसलिए बनाया है कि अगर सेंटर में एकदम कूदोगे ना तो पानी में गिरोगे. यू वोंट डाई. कुछ कुछ करके गिरना भी एक कला है. यस अरे मेरे को माइंड कंप्लीट कर नहीं रहे. उसको भी करना था क्रीपर आइलैंड को, पर वो मैं स्ट्रीम में दिन में करूंगा अभी, क्योंकि अभी वॉचिंग भी कम रहती है वैसे भी. तो
पहले स्टेयर्स बना लेते हैं, थोड़ा सा इसमें रख देते हैं। अरे बहुत सारी स्टेयर्स लगेंगे वैसे भी। हे डायमंड गोल्ड भाई, इतना बड़ा पेल्स, व्हाट, किसने बनाया पेल्स? मतलब क्या होता है, समझा नहीं। आफ्टर जंप चिकन वेलकमिंग यू। हाँ वो वहीं कहीं घूम रहा था, एक उसकी आवाज आ रही थी मुझे, वो शायद बाहर आ चुका है जो उसका एरिया था उसमें से। ऊपर के लेवल पे भी, हाँ इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी इससे। सी दो लेवल्स हो जाती है तो कितना इजी हो जाता है इधर। पर मुझे तीन रखनी है एक्चुअली, क्योंकि एक पे कार्ट रखनी है मुझे, वो कार्ट कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे होती रहेगी। सो उससे क्या होगा कि लाइक ट्रैवल करना थोड़ा इजी रहेगा। टॉर्च भी गई है, हाँ वो तो ठीक है, माइनक्राफ्ट को फुल स्क्रीन में देखने का अलग ही मजा है। सही है, टॉर्च तो कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द साइड। ये आइडिया एक्चुअली जब लास्ट हमने जो पुराना सर्वर था उस पे जो स्ट्रिप माइन बनाई थी उसमें भी सेम ऐसे ही था, हालांकि उसका एरिया काफ़ी काफ़ी बड़ा था, पर अभी इसको मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट रखना चाहता हूँ। और सीढ़ियाँ लगाने से एक फ़ायदा है कि आप बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे आ जा सकते हो। अगर आप स्टेयर्स नहीं बनाओगे तो फिर ये जितना भी ऊपर जा रहा है आपको जंप करते करते जाना पड़ेगा, एंड उससे फिर क्या होगा कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, आपको ज़्यादा फूड भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ओवरऑल टाइम वेस्ट होता है उसमें, सब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपन बढ़िया सी स्टेयर्स बना देंगे। एक मिनट, पहले मैं ऊपर जाता हूँ और इतने एरिया में, ये देखो यहाँ पे ऐसे कूद कूद के ऊपर जाना पड़ेगा फिर। अच्छा पैलेस की बात कर रहे हो, पैलेस नहीं है वो, बेसिकली जस्ट अपना घर है यहाँ पे सब सोएंगे, वो बस उस पार्ट के लिए बनाया है। अभी एक चीज़ और देखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि स्टेयर्स लगाएंगे तो एक लेवल और ऊपर खोदना पड़ेगा ये, क्योंकि कैरेक्टर फिर अंदर ही नहीं जा पाएगा अगर ये एग्जैक्ट इस लेवल पे हुआ तो। प्रॉब्ली इसको दो लेवल तक ऊपर डिग करना पड़ेगा। अभी खैर टॉर्च लगाऊंगा तो, टॉर्च क्या, अभी स्टेयर्स लगाऊंगा तो अभी पता लग जाएगा वो तो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। और हाँ यहाँ पे डर्ट है, सो ये डर्ट भी हटानी है यहाँ पे, बिकॉज इट लुक्स ऑकवर्ड। एक मिनट, पहले इधर स्टेयर्स लगाओ यार। फॉर माइनक्राफ्ट पीई व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? पीई तो पर्सनल एडिशन तो फ़ोन पे चलता है ना, वो तो आपको प्ले स्टोर पे देखना पड़ेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से फ़ोन पे चलता है कौन से नहीं, वो तो आपको उस पे देखना पड़ेगा। ये तो जावा एडिशन है।
ओके यहाँ तक आ गया। मुझे देखना है कहाँ कहाँ अटक रहा है, जैसे ये वाला पार्ट अटक रहा है। एंड दिस लुक्स टू मच। ओके बाकी तो ठीक है। कितना डिस्टेंस है यार? ज़्यादा नहीं है। होम स्वीट होम। उसे काफ़ी फास्ट ऊपर नीचे आ सकते हैं। हाँ देखो ना, जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर हूँ, एक मिनट, एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा यहाँ। तो इफ़ आई प्रेस कंट्रोल एंड ये देखो, मतलब हार्डली लाइक 4 सेकेंड में मैं ऊपर आ गया वैसे ही। और आप वैसे ही उतनी स्पीड से फिर नीचे भी जा सकते हो। आई थिंक ये वाला ब्लॉक मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये वो नीचे जाते वक्त ये अटक रहा है इधर से। लोल, ये तो बाहर ही आ गया, लूल हो गया इसका। एक मिनट, ब्लॉक दिस आउट, गलत लग गया। अभी मैं इसको कॉबलस्टोन से फिल कर देता हूँ, बाद में फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद प्रॉपर स्टोन जो यहाँ लगे हुए हैं, ताकि थोड़ा लुक इसका अजीब ना लगे। अटक रहा था। ये गेम किसने बनाया? ये गेम बनाया था नॉच करके एक बंदा था, उसने बनाया था। वो रातों रात फेमस हो गया फिर उसके बाद। फिर उसने कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था मोजैंग। तो मोजैंग को अब फिर मोजैंग से माइनक्राफ्ट खरीद लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, तो अब माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है। एंड पूरा $2 बिलियन पे किया था माइनक्राफ्ट खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने। बहुत बड़ी चीज़ है भाई, $2 बिलियन बहुत बड़ी होती है। रेल्स लाया था मैं, आयरन चेस्ट में था। हाँ देखा मैंने कॉबल स्टोन, क्या सही लग रहा है। हाँ ये टेक्सचर पैक बहुत अच्छा है, बिना सीमेंट के स्टेयर्स लगा रहे। सही है। हे सारा, अभी भी स्ट्रीम कर रहे हो? नहीं नहीं मैंने दोबारा स्टार्ट करी थी। व्हाट्स दी सर्वर आई पी? सर्वर आई पी मेरा प्राइवेट है, मैं ऐसे नहीं दे सकता, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को ही मिलता है, या फिर जो बहुत ही रेगुलर कांस्टेंट व्यूअर्स होते हैं, पुराने चैनल के मेंबर्स होते हैं, उनको ही मिलता है। कांट गिव आउट टू एवरीबडी, सॉरी, सो सॉरी। ओके गोइंग गुड एक्चुअली। और ज़्यादा बनानी पड़ेगी स्टेयर्स। चलो प्लेस कर देते हैं पहले नीचे तक। ये एक साइड और करना है अभी वैसे, पर थोड़ा लाइक मूव करने में इजी रहेगा अगर मैं नीचे तक बना दूंगा। माइनक्राफ्ट इज ऑलवेज ट्रेंडिंग, यस। क्या आप मोर्टल को देखते हो? नहीं मैं नहीं देखता, मैं पबजी मोबाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करता। एक दो स्ट्रीम देखी थी, आई गॉट कम्प्लीटली बोर्ड। नो ऑफेंस टू एनीवन जो देखता हो, बट ना भाई, पूरा सिर्फ वो बंदा पबजी मोबाइल ही तो खेलता है, और कुछ खेलता ही नहीं है। सो मोबाइल गेमर है ना। उप्स, व्हाट वाज दैट? ओ वाज दैट? ओ सिल्वर फिश। ओ शिट शिट शिट। कितनी सारी है रे, कितनी सारी है, ये निकलती जा रही है। डाई, कम ऑन डाई। लोल, हाँ
सब आज ही कर दोगे रे बाबा। अरे बस बस उतना माइन तक का, नीचे तक का पार्ट, और क्या, उसके बाद फिर स्ट्रिप माइनिंग करेंगे और क्या। वो लंबा काम है, ये तो बस, ये तो स्टार्टिंग का काम है बस, वो वाला ज़्यादा लंबा काम है रे। तो क्या लगता है तो माइनक्राफ्ट में कभी काम खत्म होते हैं क्या? कभी नहीं होते, जितना करते जाओगे। 2 बिलियन फॉर अ गेम, यस, क्योंकि इस गेम की वर्थ ही उतनी है। और अभी जितनी देर में मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे, कम से कम एट दिस सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही उसकी कम से कम नई नई करते हुए भी 1-2 हज़ार कॉपीज बिक गई होंगी। ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा, यू वोंट बिलीव बट इट इज, इट्स अ सेंसेशन। मुझे एमुलेटर में कस्टम रूम का पासवर्ड दे दो। लोल, बोरिंग, मुझे भी लगा मॉडल का स्ट्रीम, सो मैं भी नहीं देखता। नहीं क्या, वही एक एक सेम चीज़ लोग एरेंगल खेलते रहते हैं बस पूरे टाइम। वैसे सिल्वर फिश क्या करता है? अरे वो रॉक्स में से छोटे छोटे मॉन्स्टर टाइप निकल आते हैं, वो काटते हैं फिर आपको। बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट भाई वो मोबाइल गेमर है और प्रोफेशनली पबजी के अलावा और कुछ नहीं खेलता, तो मैंने कहा मना किया। पर मुझे नहीं पसंद ना मोबाइल गेमर्स, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं पीसी गेमर हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मोबाइल गेम्स देखना नहीं पसंद, मैं ये बता रहा हूँ। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मैंने उसकी करियर चॉइस पे थोड़ी ना क्वेश्चन उठाया। वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कॉम्पिटिशन्स में, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आपको लगा मैं हेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट हेटिंग। हाँ ऑब्वियसली वो प्रोफेशनली अगर वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर वो मैं सेम चीज़ वही पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल, मैं वो देखता भी नहीं, और शुरू में देखता था तो, लेकिन अब मैं उससे पक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ। और सबकी अलग अलग चॉइस होती है। उप्स, गलत प्लेस किया यार। अरे 1 मिनट, यहाँ पे कोल था, लोल, पहले कोल निकाला जाए। इधर क्यों मोटल स्पैम करो, सबका अपना चॉइस है। नहीं, वो ठीक है, वो बात कर रहे हैं यार, रेगुलर अपने व्यूवर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जस्ट टॉकिंग। सबकी अलग अलग चॉइस होती है। मैं किसी भी मोबाइल स्ट्रीमर को या इवन पबजी मोबाइल स्ट्रीमर को मैं नहीं देखता। मैंने अब ये मतलब नहीं कि सपोर्ट नहीं करता, क्यों, RDX अपना नहीं खेलता क्या? पबजी मोबाइल खेलता है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो पबजी पीसी भी उतना ही अच्छा खेलता है, मैं ये बता रहा हूँ। अपनी अपनी चॉइस है। हाँ मुझे डायनामो का फंडा नहीं समझ आता कि पीसी पे एमुलेटर पे खेल के जो वो करता है, वो मेरे को नहीं समझ में आता। वो आराम से पीसी गेम खेल सकता है बट ही डजन प्ले। एक्चुअली अब ये भी तो समझो, इन लोगों की भी तो मजबूरी हो गई है ना, इन्होंने ऑडियंस ही पूरी अपनी वैसे बिल्ड कर ली है, अभी और कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करोगे, कल को एपेक्स खेल रहा था तो सब गाली दे के उसकी स्ट्रीम में लिख रहे थे, अरे तेरी ये तेरी वो पबजी खेल, तो वो बंदा क्या करेगा, और वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके हाथ बांध दिए लोगों ने। पर स्टार्ट भी तो फिर उसी ने किया था ना। दैट्स द थिंग बॉयज, दैट्स द थिंग, जो जैसा बोगे वैसा पाओगे आप। माइनक्राफ्ट कभी खत्म नहीं होता है, यस, कभी भी नहीं होता है भाई। इस गेम में मजा क्या है, आप खेलोगे तो ही आपको समझ आएगा, आपको ऐसे नहीं आएगा। व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, या जो सिर्फ एक्शन गेम देखता है, या फिर जिसको पीसफुल गेम्स नहीं पसंद, उसको इसकी कोई वैल्यू नहीं लगेगी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जब आप खेलोगे ना, जो जो इसमें जो शांति मिलती, जो पीस है इसमें, वो और किसी गेम में नहीं है। वो आप खेलोगे आपको तभी समझ आएगा, मैं ऐसे समझाऊंगा तो हो सकता है आपको नहीं आएगा। और अभी मैं अकेला खेल रहा हूँ, जनरली फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं सर्वर पे साथ में, फालतू की बकचोदी होती है, बातें चलती हैं यार। यू कैन बिल्ड ऑलमोस्ट एनीथिंग, आप ताजमहल बना सकते हो इसमें रिसोर्सेज गैदर करके, पूरा मॉन्स्टर से लड़ सकते हो, क्वेस्ट पूरी कर सकते हो, विलेजर्स से जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। देर आर सो मैनी, लाइक कह सकते हैं RPG एलिमेंट्स भी हैं इसमें पार्शियली, तो इससे ज़्यादा कंप्लीट गेम हो ही नहीं सकता, मैं तो ये बोलता हूँ। पर वो अगेन बात वही है ना कि अपनी अपनी चॉइस है सबकी।
मैं कभी भी किसी को गेम चॉइसेस पे वो नहीं करता, मतलब जज नहीं करता कभी भी, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग होती हैं। किसी किसी को भाई मल्टीप्लेयर गेम पसंद है सिर्फ, कोई कोई सिर्फ अपने आरपीजी गेम्स खेलता है वगैरह वगैरह। बाय द वे योर गेम इज़ ऑल्सो गुड, मेरा गेम नहीं है, आई एम जस्ट प्लेइंग इट। यहाँ पे मेरे को बहुत सारा कोल मिल गया, तो आई थॉट कि निकाल लेते हैं फटाक से। पीसी कंट्रोल्स आर सो इजी फॉर मी देन मोबाइल, दैट्स वाई आई लाइक पीसी आई, बट आई एम बोथ गेमर। हाँ, कैजुअली तो मैं भी खेलता हूँ मोबाइल पे, मैं पबजी मोबाइल भी खेलता हूँ कभी कभी, बहुत रेयर। जब जैसे मेरे छोटे भाई लोग आते हैं, वो बोलते हैं कभी कि खेल लो साथ में, तो पबजी मोबाइल वगैरह मैं खेलता हूँ उनके साथ, ऐसा नहीं है। पर आई एम अ पीसी गेमर बचपन से, तो मुझे पीसी गेम्स ही पसंद आते हैं, इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आती है कि लोग एमुलेटर पर पीसी मोबाइल के गेम्स खेल के स्ट्रीम करते हैं और फिर उसके बाद हज़ारों लोगों को दिखाते हैं और बोलते हैं कि पीसी गेम से ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो मेरे को बचपना लगता है फिर, वो फिर बचपना लगता है, क्योंकि आई एम 33 ईयर्स ओल्ड भाई, मैंने दुनिया देखी है, एंड आप जो बोल रहे हो उसकी उस बात में कोई दम नहीं है। उनके ऑडियंस बहुत स्पॉइल है, उन लोगों को बस पबजी मोबाइल ही देखना है, तो वही तो प्रॉब्लम है। अब आपने ही शुरू किया ना, वो क्यों किया आप शुरू से, उनको कुछ कुछ अलग दिखाते। अभी मैं पबजी खेलता हूँ, क्यों खेलता हूँ सब आपको पता है, मुझे हर समय मज़ा नहीं आता पबजी में, मैं ऑडियंस बिल्ड करने के लिए करता हूँ, लेकिन पबजी मोबाइल से नहीं करना चाहता, मुझे मालूम है वो ऑडियंस मच्योर होगी नहीं, वो पबजी मोबाइल वाली ऑडियंस कभी मच्योर हो ही नहीं सकती, जो सिर्फ एंड सिर्फ पबजी मोबाइल देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कभी भी मच्योर नहीं हो सकते, क्योंकि गेमिंग में अगर आपका इंट्रोडक्शन ही पबजी मोबाइल से हुआ है भाई, आप और कुछ देखोगे ही नहीं, बिकॉज दैट गेम इज़ सो एडिक्टिव टू यंग व्यूअर्स। अभी आप पबजी मोबाइल के बारे में उल्टी सीधी बात करोगे ना, लोग डिसलाइक करके आपकी स्ट्रीम चले जाते हैं, इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी, बेमतलब की सेंसिटिविटी क्रिएट हो गई है, मैं इसलिए बात भी नहीं करता ज़्यादा उस बारे में, मेरे को क्या करना है, बट दिस इज़ रॉन्ग। एक्शन है, बिल्ड है, सब कुछ है, हाँ माइनक्राफ्ट में सब कुछ है, मैं वही तो बोला, आई लाइक योर वॉइस एंड बाय एंड गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके आकाश, बाय बाय। क्या खुदाई, खुदाई से क्या होता है, मटेरियल्स मिलते हैं बिल्ड करने के लिए वगैरह वगैरह। अभी तो मैं ये सिर्फ रास्ता बना रहा हूँ नीचे तक जाने के लिए प्रॉपर, एंड आई डोंट थिंक इस वाले ट्रैक पे मेरे को स्टेयर्स लगाने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे हम माइन कार्ट लगा देंगे बस, लेकिन मेरे को ये पूरा लाइक क्लीन करके नीचे तक ये पार्ट पूरा लेके जाना पड़ेगा, सो आई एम गोइंग टू पुट सम टॉर्चेस ऑन बोथ साइड्स। ये यहाँ पे अच्छा, और मेरा एक आध दो दिन में नया माउस आ जाएगा यार, तो उससे थोड़ा सा ना मेरे लिए ईजी रहेगा, यू नो। अभी मैं ये वाली हटा देता हूँ स्टेयर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ वो लगा देंगे हम माइन कार्ट, वो पूरा ऊपर से नीचे तक वहाँ पे जाएगी। माइन कार्ट से एक काम और अच्छा हो जाएगा, कि अगर आप माइन कार्ट पे वो डाल देते हो एक चेस्ट, तो आप सामान भी ऊपर नीचे ले जा सकते हो उससे, दैट कैन ऑल्सो बी अ रियली गुड थिंग। कई लोग तो बहुत अच्छा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाते हैं भाई, आपको कभी डांट नहीं लगती क्या इतने गेम खेलने पे? अबे मैं 33 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरे को कौन डांटेगा रे, किसकी हिम्मत है मेरे को डांटने की, किसी की हिम्मत है? मैं सिर्फ मेरी वाइफ से और मेरी मदर से, बस इन दोनों से ही डांट खाता हूँ, वो भी कभी कभी, वो भी प्यार से, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और गेम्स में मतलब हॉबी के लिए खेलता हूँ, अभी प्रोफेशनली नहीं खेलता भाई। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मेरी मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरी मॉम दोनों सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में, कि हाँ अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो किसी रीज़न से ही है। अगर इस डिफ़िकल्ट टाइम में, अगर मैंने डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि यूट्यूब पे अभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की सॉर्ट ऑफ लाइक 6 मंथ्स बैक, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टाइम टू ग्रो, इस टाइम पे अगर मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहा हूँ,
एंड दे सपोर्ट इट. अभी देखो अभी और कोई गेम खेल रहे थे ना तो इतनी बात नहीं कर सकते आपसे, यू नो इतना चैट नहीं कर सकते. आई थिंक पबजी वाले स्ट्रीमर्स को एटलीस्ट एक दो घंटे दूसरे गेम्स भी स्ट्रीम करने चाहिए डेली, तभी ऑडियंस ठीक होगा. टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा ऑडियंस को दूसरे गेम इंटरेस्ट के बारे में. वो तो है लेकिन अब क्या हो गया है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ जो है इतनी अति हो गई है उसकी कि अब लोगों की आदत में आ चुका है वो. फॉर एग्जांपल सुबह उठ के अगर इंसान पबजी नहीं खेलता कोई, मैं उस एडिक्टेड गेमर की बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब वो चिड़चिड़ करेगा, उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा. उसको रैंक पुश करना है, उसको फलाना वो सब चीज़ें करनी है, और उसको उसकी गंदी सी एक आदत सी बन गई है, वो अब और कुछ देखेगा ही नहीं. अभी देखो अभी 10 लोग देख रहे थे, मैंने पबजी मोबाइल के बारे में बात करना शुरू करी, मैं जहाँ नेगेटिव बोला लोग ख़त्म हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं. होता है, मतलब मैं जनरल सेंस में बता रहा हूँ, नॉट ब्लेमिंग एनीबडी. तो पबजी को एज अ रिलीजन मान लिया है कई लोगों ने, अपना पूरा चैनल उस पर बिल्ड कर लिया है, अपना पूरा क्या बोलते हैं बिलीफ सिस्टम अपना पूरा पबजी के अराउंड कर लिया है. ये चीज़ हर्ट करेगी बाद में, क्योंकि कोई भी गेम परमानेंटली नहीं टिकता है. कितने लोगों का पबजी मोबाइल से इंटरेस्ट हटना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों का. अब स्ट्रीमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग चीज़ें दिखाए, ठीक है ना, पर करते ही नहीं लोग. मेरी वॉचिंग कितनी रहती, 10 रहती है, 12 रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर मैं तो नहीं गया पबजी मोबाइल पे. मैं भी जा सकता था, अच्छे से अच्छा प्रो गेम प्ले, पट्ट से हेडशॉट ना, ये मैं भी सुपर वाला दिखा सकता था. हाँ मैंने तो नहीं किया सिर्फ उस मजबूरी के लिए कि मेरी वॉचिंग नहीं आती, क्योंकि मुझे मालूम है उस वो चीज़ करके ऑडियंस बिल्ड करूँगा, वो साली इमेच्योर ऑडियंस, उनको और कुछ देखना पसंद ही नहीं रहेगा. माइनक्राफ्ट खेलूँगा तो गाली देख के मेरे को बोलेंगे ए क्या खेल रहा है रे ये, ए चूतिए चल पबजी खेल, ऐसा करेंगे वो. मेरे को पता है क्योंकि मैंने जब बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को देखा है उनके साथ ये होते हुए, तो सबके साथ वही होगा. आई एम सॉरी आई एम नॉट रैंटिंग, मैं बस जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ. कौन सी न्यू माउस ले रहे हो भैया? नहीं न्यू माउस नहीं, मेरे पास एक्चुअली मेरे पास था माउस ये रेड गियर का X12 जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा था, पर वो क्या हुआ कि वो वारंटी में था, उसका लेफ़्ट क्लिक ख़राब होने लग गया, तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए भेजा तो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उन्होंने नया भेजा है उसी के रिप्लेसमेंट में, तो वो अभी आ जाएगा एक दो दिन में, तो नया तो फिर नया जैसे ही हो जाएगा ना मेरे लिए. वो मेरा बहुत अच्छा मतलब मस्त फेवरेट टाइप का माउस है, इसलिए मजा आ जाएगा. और देखो गाइस आपसे बात करते करते ये पार्ट हो भी गया पूरा ऑलमोस्ट, पत्ता भी नहीं चला, हालांकि क्लीन नहीं है, बीच बीच में लाइक दूसरे ब्लॉक भी आ जाते हैं इसमें, पर इट्स ओके, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है नीचे जाने के लिए ऊपर आने के लिए. पर मुझे ये चीज़ें परफेक्ट करना पसंद है, तो ये जैसे बीच में दूसरे ब्लॉक आ गए ना हटा देंगे बाद में इसको. हाँ 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 मस्त, एकदम सही रास्ता सीधे ऊपर फटाक से जाने का. आपकी मामा डैड VFX और दूसरे कोर्स के लिए कैसे माने? मेरी सिस्टर ने पुश किया था जब मैं छोटा था, उनने बोला था कि इसको करने दो वगैरह वगैरह, सो दैट्स हाउ आई डिड इट. पीसी बता दो अंडर 70K फॉर एमुलेटर, अरे तू मार खाएगा, तू मार खाएगा सच में. एक मिनट आई हैव टू मेक सम स्टेयर्स हियर. ठीक है, गालियां देते हैं घर वाले पबजी मोबाइल पर. पबजी मोबाइल का इंटरेस्ट जा रहा है, कई लोगों का जा रहा है, सच में कई लोगों का जा रहा है. मेरे को लिटरली आके पबजी मोबाइल, जो मुझे मालूम है जो जो बंदे एक्सक्लूसिवली पूरे दिन से पबजी मोबाइल खेलते थे, वो आके बोलते भाई पबजी से बोर हो गए कुछ दूसरा दिखाओ. वो पबजी PC से भी बोर हो गए वो, और वो बोलते कुछ और कुछ दूसरा दिखाओ. तो फिर हर चीज़, एक बात बताओ, जिस चीज़ की साला अति करोगे, हाँ जिस चीज़ की अति करोगे कभी ना कभी तो बोर हो गई ना उससे. नहीं मारियो खेलोगे, चलो मारियो खेलोगे, कितनी देर खेलोगे, कितनी देर खेलोगे? नॉस्टैल्जिया को लेके चलो थोड़ी देर खेलोगे, 1 घंटा 2 घंटा, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर बोर हो जाओगे ना, छोड़ दोगे ना. ह्यूमन नेचर में यार चीज़ें नई चाहिए होती हैं, नया देखना होता है, नई जगह घूमना होता है, नई चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करनी पड़ती है.
अच्छा भाई, मैंने आपको पहले भी एक पोस्ट पे कमेंट किया था कि माइनक्राफ्ट का अपडेट आ चुका है, क्या आपने अपडेट किया? अपडेट नहीं, अपडेट मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि सर्वर जो अपना चल रहा है वो इसी पे चल रहा है ना, 1.14 पे, 1.14.2 पे, तो अभी फिर इस पे तो मैं अपडेट कर नहीं सकता। विंसेंट कीप गोइंग गुड वर्क, ओह थैंक यू ब्रदर। बाय द वे आज मैं ओल्ड मेटल गियर सॉलिड गेम खेला, बहुत हार्ड है ब्रो बट मज़ा आ रहा है। अरे सारा क्या बात है, ऑसम ब्रो। मेरे को कोई पीसी गेम सजेस्ट, पीसी सजेस्ट करो अंडर 50K फॉर एम्यूलेटर। सच में बी ऑनेस्ट भाई, पबजी पीसी से भी मैं बहुत बोर हो गया। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं भी कभी कभी बोर हो जाता हूँ। मैंने अभी कितने टाइम तक पबजी पीसी छोड़ दिया था, पूछ लो जो अपने रेगुलर व्यूअर्स है, या फिर आप जो क्या बोलते हैं वही देख लो यार, आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के देख लो तो पता चल जाएगा मैं कितना, लिटरली मैं कितना पक गया था पबजी और इन सब गेम से। तो मैंने बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था, फिर एपेक्स खेलना शुरू किया था मैंने, फिर वो भी छोड़ दिया बीच में क्योंकि उस पे हैकर्स और ये सब बहुत आ गए थे, तो वो भी हटाना पड़ा मेरे को। क्या करे, 5 ईयर्स ठीक है, मैंने प्रोफेशनल लूब हूँ इसमें, मैं लेजिट सर्टिफाइड वर्ड। अब मेरा भी पबजी में से इंटरेस्ट उठ गया है बीच में, मैं लीव कर देता हूँ। हाँ नहीं आता मज़ा। 1.14.3 आ गया है फिलहाल तो। अच्छा मैं चेक करूँगा, कल चेक करूँगा। रिमेम्बर मी, वी हैड रेडेड यू विद जीश यूनाइटेड। हाँ, यस आई रिमेम्बर यार, अभी शाम की तो बात है, आई रिमेम्बर ब्रो, मैं नहीं भूलता इतनी जल्दी। बस रेगुलर रहोगे तो आई विल नेवर फॉरगेट, वैसे भी आई नेवर फॉरगेट। ओके तो सारे फर्नेस क्यों है यहाँ? ओके तो मैं थोड़े से ब्लॉक्स ले जाता हूँ नीचे, क्योंकि वहाँ पर वो एरिया थोड़ा सा और बिल्ड करना है, एंड आई हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग सम ब्रांचेस देयर, तो थोड़ी वुड भी ले जानी पड़ेगी, स्टोन वगैरह तो सब ठीक है। फूड, यस डेफिनेटली कुछ फूड आइटम्स ले जाके वहाँ पे भी रखनी पड़ेगी मुझे। टेक दिस, क्योंकि पोटैटो वगैरह वो सब तो अभी मिल जाएगा। लेट्स ऑल्सो बेक सम, क्या बोलते हैं, थोड़े पोटैटोज बेक कर लेते हैं। हाफ इधर डाल देता हूँ, हाफ इधर डाल देता हूँ, पोटैटोज बेक होते रहेंगे जब तक, सो विल गो डाउन। पता नहीं क्यों मैं माइनक्राफ्ट जैसी चीज़, पता है मैं एक टाइम था माइनक्राफ्ट से मैं इतना बोर हो गया था, इतना ज़्यादा बोर हो गया था कि मैंने लिटरली मैंने लाइक खेलना छोड़ दिया था। और फिर पता है क्या, पता नहीं क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट फिर से आ गया उसमें। ये गेम होता ही है, ये इस गेम में होता है लिटरली, मतलब आप यू विल लूज इंटरेस्ट, थोड़ा टाइम बाद फिर वापस आओगे। और पहले क्या था, मैं अकेले खेलता था, अभी फिर मैं सर्वर पे खेलता हूँ, अब मैं स्ट्रीम पे खेलता हूँ, आप सबसे बात होती है, तो अब मैं बोर नहीं होता, पहले मैं बोर हो जाता था। अरे यार दिन के टाइम पे आना चाहिए, 1 मिनट, आई गो स्लीप। 1 मिनट, क्या बोल रहा हूँ, मैं 2 वीक से रेगुलर हूँ बैडशैंक भाई, आई एम रेगुलर। हाँ हाँ आई नो आई नो, विल हेल्प यू इंक्रीज योर सब्स ड्यू रिश्यू, इज वेरी गुड गाय, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। आई नो आई नो आई नो, मुझे एक्चुअली इस इश्यू मुझे मालूम नहीं था, मैंने शायद नाम सुना था कहीं बट मुझे मालूम नहीं था, फिर आफ्टर द लास्ट स्ट्रीम एंडेड उसके बाद फिर मैंने जाके चेक किया, एंड इट वॉज वेरी नाइस एक्चुअली। बाय द वे मैं फ्रेंकली मैं ये बोलूँ, मेरे को रेड सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि रेड से लाइक बहुत कम रेगुलर व्यूअर्स होते हैं, बट हाँ अगर कोई पीसी गेमर रेड करता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास जेन्युइन ऑडियंस होती है, वो एक्चुअली अप्रिशिएट। व्हाट द हेल, मैं 3 टाइम्स गया लेकिन मैं रेल उठा के नहीं लाया, मैं कितना बोलता रहता हूँ मैं, लोल। डार्क सोल्स 2 की फिर स्ट्रीम कब होगी? कल 100% कल, कल सिर्फ डार्क सोल्स, कोई पबजी नहीं कुछ नहीं, सिर्फ डार्क सोल्स खेलेंगे। मेरे को फिनिश करना है यार वो गेम, वॉन्ट टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। रेल्स कहाँ गई? हाँ ये रेल्स, पावर्ड रेल भी लेनी पड़ेगी, और इनफैक्ट पावर्ड रेल बनानी भी पड़ेगी, उसके लिए रेड स्टोन लगेगा। 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसी बनती है ना, 1 मिनट, आई एम मिसिंग समथिंग, कैसे बनती पावर ड्रिल? गोल्ड, 1 मिनट मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेट मी सी, पावर्ड रेल, अरे गो, अच्छा गोल्ड लगता है, लोल लोल, बीच में एक ही स्टिक आती है ये, और उसके बाद रेड इधर। हाँ 6 बन गई, 10 हो गई टोटल, बहुत है यार,
10 is more than enough. 10 is more than enough. Let's go. Iron lete hain thoda. We'll make a cart. Yes. हमें कॉन्ट्रोबाइन ने सजेस्ट किया था तब से हम रेगुलर आरएनएस मूवीज आई नो मुझे बिल्कुल याद है भाई. न्यू स्टार वॉर्स गेम कैसा लगा E3 में? मस्त है अभी तक तो, अच्छा लगा. बाकी गेम प्ले पर डिपेंड करता है यार, फिर देखेंगे कैसा लगेगा. अभी तो अच्छा था. इधर एक प्रॉब्लम हो गई गाइस, रेल के लिए उतनी जगह नहीं है यहाँ. मतलब यहाँ तक तो ठीक है पर उसके ऊपर जगह नहीं. अनलेस आई लाइक उसको यहाँ से इधर टर्न कर दूँ मैं तो वो अलग बात है. टर्न कर सकता हूँ वैसे, इट्स नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम. सो एक ब्लॉक पहले यहाँ रखना पड़ेगा ये, एंड उसको स्टेयर्स को हटाते हैं. We'll make a powered rail, then normal rail. इसके यहाँ से turn करेंगे. And there we go. इसकी जगह लगा देते हैं अभी एक powered rail. And हर थोड़े डिस्टेंस के बाद यहाँ पे powered rail लगानी पड़ेगी. And we'll put up a redstone torch right inside there. तो उसमें light on हो जाएगी अपने आप, problem नहीं होगी. Yeah, he's a good guy but very toxic. Raid is not very useful, but what else we can do because it's difficult nowadays to establish YouTube channel because there are many competition going on in India. हाँ वही तो बात है. Hey Nilesh कैसा है? अच्छा भाई, इस गेम की एंडिंग क्या है? इस गेम की एंडिंग ये होती है, आप चाहो तो परस्यू करना, चाहो तो आप कर सकते हो. मतलब इसमें एक कैसल ढूंढना पड़ता है, वहाँ पर एक पोर्टल होता है जो एक अलग वर्ल्ड में ले जाएगा जहाँ पर ड्रैगन को आप मार सकते हो. जब भी आप ड्रैगन को जितनी बार भी मारोगे गेम वहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन आप चाहो तो उस ड्रैगन को रिवाइव करके फिर से खेल सकते हो उसी को आगे. आप मतलब उसी वर्ल्ड को लाइक आप चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो. कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती है. सो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एंडलेस हो जाता है. यू कैन फाइंड मैनी कैसल्स. और मैंने देखा है कई लोग 5-5, 6-6 साल तक भी एक वर्ल्ड को, सर्वाइवल वाले वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हैं, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर. तो ये गेम थोड़ा महंगा है, अभी आपको 1800 रुपये में मिलेगा. ये डेफिनेटली महंगा है लेकिन इट्स वर्थ इट, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट. मैंने सिर्फ एक बार खरीदा था, वो भी कितने साल हो गए मुझे तो अब याद भी नहीं है. ये एक मिनट, अरे नॉर्मल टॉर्च नहीं लगानी भाई, मेरे को रेडस्टोन टॉर्च लगानी है. देयर वी गो, ये इसमें पावर आ गया. ये ब्रेक करके रेड स्टोन गलत लगाई, इधर लगानी अंदर. यस, सो मैं बोल रहा था कि मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था $25 में, लेकिन अभी तक अपडेट फ्री मिलती रहती है. तब उसका सिर्फ 1.2 वर्जन चलता था, लेकिन अभी तक इसकी अपडेट्स फ्री आती रहती हैं. सो विच इज़ अ ऑसम थिंग एक्चुअली. डायमंड फाइंड करो 24K लेवल. ट्रेन में घूमी घूमी, हाँ यहाँ से अब ट्रेन ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, इसलिए मैं एक्चुअली हर थोड़े डिस्टेंस के बाद पावर ट्रेन लगा रहा हूँ. नीचे जाने में तो कुछ नहीं लगेगा लेकिन ऊपर आने के लिए पावर ट्रेन की यूज़ पड़ेगी ना, तो इसलिए हर 6 या 7 ब्लॉक के बाद मैं एक पावर रेल लगा रहा हूँ. पावर रेल से ये होता है कि वो कार्ट को पुश करती ऊपर की तरफ. तो वो एक्चुअली अभी पता नहीं है मुझे, ये लाइक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि नीचे तक कितनी लगेगी टोटल. पावर ड्रेल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो गोल्ड से बनती है ना, गोल्ड थोड़ा रेयर होता है तो लाइक आपको संभाल के यूज़ करनी पड़ेगी. नॉर्मल रेल्स तो आप बना सकते हो, पावर ड्रेल्स फिर गोल्ड लगता है उसको बनाने में. गोल्ड नहीं मिलेगा तो आप नहीं बना पाओगे. ये तो नेमेसिस ढूंढ के लाया उधर माइंड शाफ्ट में से तोड़ के लाया, तो अपना आधा काम तो वहीं हो गया था. नेमेसिस कभी कभी बहुत सही काम कर देता है. ओके, ऑलमोस्ट आ गए, नहीं आधे ही हुआ है अभी. एक मिनट, रेल्स कम पड़ गई, एक थोड़ी सी और बनानी पड़ेगी मुझे. चलो मैं बनाता हूँ. बट टेस्ट दिस आउट, अगर मैं
इसको यहाँ पे रखूँ। अरे वो नीचे जा रही है लोल, अब ये नीचे जाएगी। कैन आई पुश दिस अप? हाँ वो देखो वो गई। हाँ नहीं, अरे इधर नहीं, उस तरफ जाना है लोल। ये पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही चल पाएगी वो। एनीवेज एक मिनट गाइस, आपके चैट नहीं पढ़ी, मैं अभी पढ़ता हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे मिस हो जाती है ना कभी कभी। इस गेम की कोई एंडिंग है ही नहीं। नहीं एंडिंग होती है, पर वो इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली एंडिंग। 1800 में रॉयल पास ना खरीद लूँ, एमुलेटर में खरीद ले, जा जा खरीद ले। द बेस्ट वे टू इंक्रीज व्यूज इज़ टू प्ले सी एस गो। इट डजेंट मैटर इवन इफ यू आर न्यू टू सी एस गो, बट मैनी इंडियन लव सी एस गो द मोस्ट। आई गिव यू गारंटी, पीपल वॉच योर स्ट्रीम एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट। एक्चुअली मैं सी एस गो पहले खेलता था, मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं, उसमें जो वो वाले मोड होते हैं डेथ मैच वगैरह, पर बहुत टॉक्सिक होते लोग, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते लोग, और वो नूब नूब बोल के फिर मेरे को स्ट्रीम पे लाइक चले जाते थे, क्योंकि मैं रेगुलरली खेलता नहीं हूँ। सो वो हमेशा नूब 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 बोलते रहते थे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था उसमें। और फिर मैंने छोड़ दिया खेलना, मैंने लिटरली खेलना छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा ही है, अगर इसी टाइप के लोग आएंगे तो फिर मेरे को नहीं खेलना है गेम, क्योंकि मुझे वो इतना पसंद भी नहीं है। मैं लिटरली फिर मैंने छोड़ दिया खेलना। क्या करता है यार, और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। रेल कैसे बनेगी, मैं इसकी रेसिपी भूल गया रे। और ये भी आयरन से ही बनेगी वैसे तो। भाई मैं आपको बहुत बढ़िया इंडी गेम सजेस्ट करता हूँ डिस्कॉर्ड में। ओके हाँ, नो प्रॉब्लम, 100%। ओके बाय, गुड नाइट सूर्यभान, बाय 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 ब्रो, सोने जा रहा हूँ। ओके पुलकित, गुड नाइट, मैं भी जाऊँगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है। एक मिनट, लेट मी सी, यस 16 बन गई। अरे 16 रेल्स बहुत होती है, अपना काम हो गया। पर पावर्ड कितनी है, पावर्ड एक ही है लोल, पावर्ड और बनानी पड़ेगी। गोल्ड, हैव टू यूज द गोल्ड। चलो हो गया अपना काम। चैनल तो गाइस ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे, चैनल ग्रो का मेरे को कोई टेंशन नहीं है ऐसा, यू नो, बस लोगों का सपोर्ट मिल जाता है ना अपने आप, तो चैनल वगैरह सब सब अपने आप ही हो जाता है, वो कोई टेंशन ही नहीं है। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक प्लेयर यू कैन प्ले विद मी एंड माई फ्रेंड्स, देर इज नो इशू ब्रो, इवन दो आई एम फ्यूचर प्रो ऑफ इंडिया एंड टीम डिग्निटी। अच्छा अभी देखता हूँ यार मैं, बिकॉज सी एस गो मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड भी नहीं है, करूँगा किसी दिन। मैंने हटा दिया था यही सब चीज़ों के चलते, तो मेरे पास हार्ड स्पेस भी नहीं थी उस टाइम पे, एंड आई नीडेड सम न्यू गेम्स, मैंने हटा दिया था सी एस गो। तो देखते हैं किसी दिन मूड हुआ तो फिर इंस्टॉल करूँगा मैं डेफिनेटली, गिव इट अनदर ट्राई। कई लोग बोलते हैं बीच में लाइक सी एस गो खेलो, तो देख लेंगे यार। एक्चुअली मुझे नहीं बोलता कोई सी एस गो खेलो, क्योंकि उनको पता है मैं नहीं खेलता, तो वो दे डोंट इवन सजेस्ट। अब आगे तो सीधे लावा में गिरेगा ये लोल, गड़बड़ हो गई। एक मिनट, इसको बंद करना पड़ेगा भाई। ओके यस, ये एरिया इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं माइनिंग के लिए, एटलीस्ट 3 लेवल तक की हाइट यहाँ पे रख देते हैं। अपना काम हो गया है वैसे, देखो बस ये इतना पार्ट करना है, फिर यहाँ का काम। ओ, फिर आ गई। अरे अरे बहुत सारी निकलेगी अभी है। कम ऑन, डाई डाई डाई, मरती तो एक ही हिट में है वो, लेकिन कहाँ से आ जाती है ये नहीं पता। क्या अपन भी प्रो बनेगा भाई साहब? गेम रेक्स को जानते हो? हाँ मैंने सुना है नाम, तो मैंने ऑलमोस्ट नाम सबके ही सुन रखे हैं। ये इधर उधर कॉम्पिटिशन या जो भी ये होते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह, तो
सुनने में आ जाता है इधर उधर। नाउ आई हैव टू कीप इन माइंड कि नीचे लावा है इधर। दिस प्लेस नीड्स टू बी 100% सिक्योर। इट्स ओके ब्रो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, नन कैन फोर्स, इट्स ऑल ऑन मूड। हाँ वही है ना, मैं छोड़ दिया था बीच में। फिर दूसरा क्या होता है, मेरे मेरे खुद के व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा सी एस गो खेलते हैं, वो मेरे को चैलेंज करते रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है वो मेरे साथ खेलने आएंगे तो मैं नुबड़ा जैसा खेलूंगा उनके सामने, तो मेरे को तब भी थोड़ा अजीब लगता है। ये ठीक है यार, अब तुम खेल रहे हो 5 साल 6 साल से खेल रहे हो, मैं तो नहीं खेलता ना इतना रेगुलर, तो मैं खेलूंगा तो नुबड़ा नुबड़े जैसे खेलूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ होल्ड आर यू ब्रो? आई एम 16। आई एम डबल ऑफ 16 ब्रदर, जस्ट डबल योर एज, आई एम दैट मच। नॉट अ फैन ऑफ सी एस गो बट खेलोगे तो ज़रूर देखूंगा। ओके आई विल ट्राई, आई विल गिव इट अ ट्राई, ऐसा नहीं है, मैं हर चीज़ ट्राई करता हूँ। करा भी था पहले, आप पुराने व्यूअर हैं उनको मालूम ही है, पर किस रीज़न से छोड़ा था वो भी मालूम है। ओके गाइस, सो दिस एरिया इज़ नाउ सेट। यहाँ पर दो ब्रांचेस बनाऊंगा आगे मैं। कौन सी लेवल पे है? 12 है ना? हाँ ठीक है। सो विल मेक टू ब्रांचेस जो इधर बनेगी, मैं बस अभी 2 या 3 ब्लॉक का एरिया बना के छोड़ देता हूँ इसको, फिर बाद में इस एरिया को कंटिन्यू करेंगे। दिस विल बी यूज टू माइन आउट डायमंड्स एंड स्टफ, बट अभी आई नीड टू मेक श्योर कि ये जो रेल है वो सही जगह जा रही हो। दिस इज पावर्ड रेल राइट, सो इसमें तो यही लगेगा, इसको हम टर्न कर सकते हैं। उप्स, गलत लगा दिया। इसको राइट में टर्न कर देते हैं, ठीक है, एंड मेकअप दिस एंड एक पावर ड्रिल लगा के इसको रोक देंगे इधर से, ठीक है। आई गेस ये इधर होना चाहिए ना, सीधे इसको फिर दीवार पे ही रोको ना, इधर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइन, तो ये पूरा रेल सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हाँ 1 मिनट, मैंने चैट नहीं पढ़ी। 32, यस। कभी एम्युलेटर खेलो प्रो, बन जाओगे आफ्टर 1 गेम। अच्छा नूब होता ही क्या है ब्रो, ये तो सीखते हैं जीतते हैं बस। यू वॉन्ट कोलैब विद मी लेटर कज आई टू हैव अ चैनल, आई गिव यू लिंक, वॉच इट लेटर। डिस्कॉर्ड पे डाल दो, 100% आई वॉच इट। सो शुड वी माइन आउट वेन वी ज्वाइन दी सर्वर अलोन? हाँ करो ना, बिल्कुल करो। ये देखो दो ब्रांचेस बना दिए मैंने, अभी इसको थोड़ा और डिफाइन कर दूंगा कि कहाँ पे माइनिंग करनी है, तो तब माइनिंग करना, और यहाँ पे थोड़े से बोर्ड्स वगैरह लगा दूंगा उस पर लिख के कि क्या आगे करना है। एक आध दो चेस्ट वगैरह बना देंगे यहाँ, सो यू विल नो कि क्या करना रहेगा। इधर रिसोर्सेज गैदर करनी है अपने को, ब्रांच माइनिंग का मतलब ही यहाँ पर ये है कि रिसोर्सेज गैदर करते जाओ। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, अपना मेन पर्पज़ ये इज़ टू फाइंड आयरन एंड डायमंड एंड गोल्ड एंड एमरल्ड, ये चारों चीज़ें तो लाइक आपको मालूम ही है। आई वॉज कैरिंग सम चेस्ट, डैम इट कहाँ गए चेस्ट, एक भी नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ। एक मिनट, मैं शायद रखा है ऊपर, 1 मिनट। देन नाउ वी कैन यूज़ दी माइन कार्ट टू गो बैक अप। ये देखो, सो प्लेस वन हियर, राइड इट एंड उप्स। अरे मैंने, अरे इस पे तो वो रखा ही नहीं, लूल गलती हो गई मुझसे। यहाँ पर भी एक रखना पड़ेगा ना। हाँ अब हुआ वो पावर्ड। हा। एनीवेज ठीक है, चलो इसको इस तरफ रख देते हैं। लेट्स राइट द माइंड कार्ड बॉयस। अबे तेरी ऊपर तक जाएगी नहीं वो, लोल।
पुश इट पुश इट। लूल नुकसान हो गया यहाँ तो। एक मिनट, आई हैव थ्री पावर्ड रेल्स, आई गेस इसको पुश करने के लिए मैं एक और लगा सकता हूँ यहाँ। इन सबको डबल करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। पावर्ड रेल, पावर्ड रेल। हाइट बहुत ज्यादा है ना, एकदम ऊपर जा रहा है वो, तो क्या पता। मुझे लग रहा है दो पावर रेल और बनानी पड़ेगी। एक मिनट, लेट मी ट्राई। अगर कोई सीएस में गलती से वन टैप या वॉल के थ्रू आउट कर देगा तो सब अपने आप को कैनी और सिंपल समझने लगते हैं। ओके ब्रो, आपने कभी कर्बी गेम्स खेले हो कभी? दैट्स माय फेवरेट साइड स्क्रॉलिंग। नहीं नहीं खेला मैंने कभी। एक मिनट, आई वांट टू चेक आउट कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। पूरा ऊपर तक जानी चाहिए। मुझे और थोड़ी पावर रेल्स बनानी पड़ेगी, रुको, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो गया है बिटवीन द पावर रेल्स, तो वो पूरा ऊपर तक पुश नहीं कर पा रही है। फंडा सिर्फ नीचे आने का नहीं है, ऊपर जाने की भी जगह होनी चाहिए। आई एम लविंग योर स्ट्रीम नाउ, आई विल थिंक व्हाई इज बिकॉज यू आर प्लेइंग अ बिट ओल्ड गेम एंड योर एक्सेंट विद दिस माइक इज लाइक प्रोफेशनल। अभी तो एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग माई प्रोफेशनल माइक, मैं मेरा वो वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे हेडसेट पर लगा हुआ है। अभी मैं मेरा जो रिकॉर्डिंग वाला माइक है वो यूज़ करूँगा ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ आएगी। यू विल हियर कम्प्लीटली प्रोफेशनल वॉइस, इवन लगेगा ही नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ बिकॉज वो एक फिक्स एंगल पे रखना पड़ता है, मेरी बैक पेन होने लगती है अगर ज़्यादा देर वो लगा के रखता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करता फिर अभी। आई हैव रेल्स बट आई नीड सम पावर्ड रेल्स। एक मिनट, अरे स्टिक कहाँ गई यार, एक भी स्टिक नहीं होती जब चाहिए होती है। ओके ठीक है, छह पावर रेल्स हैं, हो जाएगा काम आई थिंक। लेट्स सी, गोल्ड खत्म हो गया थोड़ा सा, वेट ज़्यादा क्या इस बार आप उतरना। एक मिनट, अच्छा ओ बट योर वॉइस इज काम इंटरेस्टिंग टू वॉच। या आई नो आई नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट अभी आपने रियल वॉइस सुनी नहीं है। मुझे मेरी वॉइस इतनी पसंद नहीं है एक्चुअली खुद। ब्रो यू मे बी सी एस गो नू बट यू आर माइनक्राफ्ट प्रो लोल। बोल लो बेटा बोल लो। नहीं वैसे माइनक्राफ्ट इज नॉट दैट टफ, सो मैं एक्चुअली बहुत साल से खेल रहा हूँ तो, पर फिर भी कई नई चीजें जो लोगों को पता रहती ना मुझे नहीं पता रहती हैं सच में। द थिंग इज वी स्टार्ट प्लेइंग अदर गेम्स तो फिर होता है बीच में ऐसा। पावर ड्रेल यहाँ पे दो लगा दी थी मैंने, एक गैस से एक और लगानी पड़ेगी इधर। यहाँ पे भी दो लगाई थी। एक मिनट मैं राइड करके देखता हूँ तभी पता चलेगा कि ये वर्क कर रही है नहीं। अपन भी फन के लिए खेलेगा एमुलेटर, खेलो ना, मैं भी तो खेलता हूँ कभी कभी, क्या फर्क पड़ता है रे। ओके ये बॉय ये चल 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 चल, वेरी गुड वेरी गुड। अबे नहीं 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 शिट, लोल यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा। अब पहुंच जाएगा, क्या बोलते हो गाइस? ऑलमोस्ट पूरा ऊपर आ गया था यार। बाय द वे दिस इज माय फैपिंग टाइम, सो आई विल कम आफ्टर सम। अरे ठीक है चलो बाय लोल फैपिंग टाइम। ये बॉयज पहुंच गए ऊपर,
नाइस, थोड़ा स्लो है बट इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस एक्चुअली. लाइट थोड़ी कम लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों. बीच में थोड़ी और टॉर्चेस लगाऊं क्या यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो. पर हाँ वो नीचे ऊपर तक अब करती रहेगी, सो दैट्स अ गुड थिंग. वो अपने आप नहीं करेगी वहाँ, बिकॉज जब तक उसमें कोई बैठता नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा वेट नहीं मिलता है. पर इफ़ यू आर सिटिंग ऑन इट तो कॉन्स्टेंट चलती रहेगी लाइक अप एंड डाउन. उसमें एक चीज़ कर सकते हैं, वी कैन पुट अ चेस्ट ऑन इट, है ना. तो आई गेस वो शायद उससे वेट आ जाता है उसमें, तो फिर वो ऑटोमेटिक चलती रहती है. मे बी समथिंग लाइक दैट. एनीवेज मुझे कुछ चेस्ट लेके आ रहे हैं नीचे रखने के लिए. नाइटबॉट प्रमोशन कर रहा है, मैं रिपोर्ट कर रहा है इसकी. अच्छा मैं तो सारे मल्टीप्लेयर गेम्स में नूब हूं, बट क्या जेआरपीजी में प्रो. वाह ओके, सो यहाँ पे चार चेस्ट हैं, इनको नीचे लेके जाना है. वुड से बोर्ड बनाने हैं, ठीक है. लेट्स मेक सम बोर्ड्स. आई गेस 6 बोर्ड काफ़ी रहेंगे. डोंट नीड रेड स्टोन एनीमोर, इसको रखते हैं वापस. एंड आयरन पुट इट हियर. गोल्ड का भी काम हो चुका है. रेल्स रखते हैं अभी. ओके फाइन, लेट्स गो. गुड नाइट भाई, टेक केयर. ओके बाय बाय. आर एन एस मूवीज बेस्ट है, तीन पत्ती खेलो लोल. कुछ मिनट्स में प्रो लेजेंड सर्टिफाइड. अच्छा एक मिनट, वी नीड वन क्राफ्टिंग टेबल हियर. यहाँ पे कुछ माइनिंग आइटम रखनी है मुझे. थोड़ी सी स्टोन पिकैक्स बना के रख देता हूँ. बोल एक और कहाँ गई. आई दो ही बनी, मैंने तो तीन बना रहा था. ठीक है, थोड़े से कॉबल्स रखे हुए हैं. आयरन की नहीं बना सकता यार मैं, इट्स बेटर कि वो अभी स्टोन की रहे. आयरन की जिसको बनानी हो बाद में वो बनाता रहेगा. ये रख दिया, थोड़े से टॉर्चेस बना के रख देता हूँ. एक्चुअली दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं अंदर, दिस एंड दिस, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं है. एंड कॉबल स्टोन्स की भी कभी नीड पड़े बाई चांस तो वो भी दो दो स्टैक रख देता हूँ, जस्ट थोड़ा लाइक नीटली यू नो ऑर्गेनाइज हो जाएगा इधर. एक्चुअली वो इधर रखे थे, उसमें तो शुड बी ऑन द राइट साइड. ऐसा ही है ना सिमिलर. यप एग्जैक्टली द सेम बॉयस, वेरी गुड. ट्रेन कहाँ गई, वो नीचे गई. थॉर का हैमर बनाओ, वहाँ वो हैमर ही लग रहा है एक्चुअली. वो एक्चुअली सिर्फ इस लेवल तक ही आएगी यहाँ पर, है ना. मुझे एक और पावर रेल यहाँ लगानी पड़ेगी तो वो ऊपर जा सकती है. एक्चुअली मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ से हटा के उधर लगा सकता हूँ मैं एक, तो वो लाइक कॉन्स्टेंटली ट्रैवल होती रहेगी फिर उधर. मूव मूव मूव. नहीं एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पर बीच में मुझे, अरे रुक के जा रहे, यहाँ बीच में एक और लगाना पड़ेगा इसको तोड़ के.
और इसकी जगह पावर्ड रेल, नॉर्मल रेल, ठीक है. अब आई थिंक वो अपने आप ट्रैवल कर सकती है अगर उसको इतना पुश मिलेगा तो. लेट्स डू इट. नहीं पर वो उसमें वेट नहीं है ना, तो वो उतनी ऊपर तक जाएगी नहीं, वो बस इतना ट्रैवल करके रुक जाएगी फिर. नाउ यहाँ पर वी नीड टू पुट टू चेस्ट हियर, ठीक है. एंड आई गेस एक बड़े चेस्ट में हो जाएगा काम. डोंट नीड टू पुट अनदर वन. हाँ लेकिन यहाँ बोर्ड जरूर बनाने. और क्या था, डायमंड, आयरन, गोल्ड एंड एक और क्या था, एमराल्ड्स. ब्रांच माइन एरिया प्लीज डिपॉजिट डायमंड्स, आयरन, गोल्ड एंड एमराल्ड टू कम्युनिटी स्टोर, ब्रांच ए, ब्रांच बी. और क्या नोट लिखना था यहाँ, एक मिनट, इस पे अगर मैं एक चेस्ट लगा दूं तो आ जा रे, नीचे आ जा वापस. एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं लगा सकते इसमें, इसको क्राफ्टिंग टेबल पे लगाना पड़ता है गैस. हाँ सो दिस इज अ माइन कार्ड विद अ चेस्ट ऑन इट. और ये आई गेस पूरा ऊपर तक जाएगी क्योंकि उसके अंदर वेट हो गया. आप देखो, सो यू कैन यूज दिस टू यू नो ट्रैवल स्टफ फ्रॉम देयर टू देयर. तो ये कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अब उसमें वेट आ गया ना, देखो उसके अंदर चेस्ट है ये देखो, सो वो अब कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे करती रहेगी. काइंड ऑफ लाइक अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम टू यू नो ट्रांसफर थिंग्स फ्रॉम हेयर एंड देयर. जब उसको रोकना हो बीच में तो आप यहाँ खड़े हो जाओ तो वो रुक जाएगी. तो अपने आप नीचे से ऊपर वो सामान जो है ट्रांसफर होता रहेगा. हाँ ऊपर किसी को रोकना पड़ेगा उसको, वो अपने आप नहीं रुकेगी. कितनी देर और करोगे आज, 24 आवर्स? नहीं थोड़ी देर और बस. क्या टाइम हो गया, 1:30 बज गए ना. हाँ बस लाइक 20 मिनट्स और, पर मुझे ये एरिया थोड़ा डिफाइन कर देना है, उसके बाद फिर जिसको जो करना करो. दो ब्रांचेस बनानी थी, दिस इज ब्रांच बी, दैट इज ब्रांच ए. सो बस उस पर माइनिंग शुरू करनी है. मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि दूसरे प्लेयर भी खेलते हैं ना इस सर्वर पे, तो जब मैं नहीं खेल रहा हूँ तब भी वो लोग आके तो देखते ही हैं इधर, तो वो भी माइनिंग कर सकते हैं. क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था सर्वर पे, बाकी सब ने मिलके बहुत कुछ आइटम्स वगैरह गैदर करी थी अपने आप ही. सो अच्छी बात है वो.
तो अब इसमें ये है कि ब्रांच माइनिंग कैसे करनी है इधर कि लाइक दो दो की गैप में करना है. फॉर एग्जांपल दिस वन शुड गो लाइक दिस, यहाँ पर फिर दो गैप छोड़ के फिर लाइक दिस, उसके बाद यहाँ पर भी दो गैप छोड़ के लाइक दिस, ऐसा जाएगा आगे वो. एंड एक गैप तो इधर, एक मिनट, ये क्या हो गई दो, हाँ तो ये दो गैप छोड़ के फिर पर मुझे मालूम है लोग दो दो करते ही नहीं, वो सिंगल करते हैं. दैट्स इनएफिशिएंट. आपको कम से कम दो दो करनी चाहिए. हाँ अभी तक, अभी इसको सिर्फ यहीं तक बढ़ाते हैं. ठीक है, तीन इस तरफ, तीन उस तरफ और तीन सेंटर में हो ही गई यहाँ. रश माइनिंग डायमंड पुश क्रीपर टावर का क्या हुआ? वो उस दिन वाली स्ट्रीम में बनाएंगे यार, जब थोड़े थोड़े ज़्यादा व्यूअर भी रहते हैं ना उधर, वो अलग स्ट्रीम में बनाएंगे. उसको थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में. अभी इससे ये होगा कि अपने रिसोर्सेज मिलते जाएंगे ना इधर, अपने पास डायमंड आयरन वगैरह, इसमें जो जो लोग इस पर आके माइन करेंगे आगे, तो अपने को वो इस पे से मिलता जाएगा. तो एटलीस्ट रिसोर्सेज की अपने को टेंशन नहीं रहेगी कि आयरन ख़त्म हो गया ना वगैरह वगैरह, क्योंकि सर्वाइवल सर्वर पे खेल रहे हैं ना यार. कितने हो गए यहाँ? दो हो गए. उधर कितने बनाए थे? तीन. ओके सो एक मिनट, मेथड से चलोगे ना आप तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें. जस्ट नीड टू फॉलो द मेथड. ए हैरी प्ले, इज दिस ऑन पीसी और मोबाइल? इट्स ऑन पीसी. बस एक बार दिखा दो प्लीज़ बैट शैंग भाई. क्या चीज़ दिखाना है? बोल रहा हूँ मुझे देख, क्या देख, दिखना था कितना हुआ है. अरे कुछ नहीं, अभी सिर्फ उसका बेस बनाया है. अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ. वॉचिंग अल्ट्रा एच डी 24p, नेट इज वेरी ऑसम. जय अटल बाबा की. यू बॉट इट फॉर हाउ मच एंड फ्रॉम वेयर? कहाँ से लेते हैं यार माइनक्राफ्ट? एक ही जगह से, माइनक्राफ्ट डॉट नेट, और कहाँ से? आई बॉट इट ईयर्स अगो एट $25. एक मिनट, म्यूजिक थोड़ा लाउड लग रहा है, मेरे कान दुखने लग गए. आई नीड टू टर्न दिस डाउन. अभी ठीक है. इसमें सोनी चैनल कौन सा है? लोल. इसमें नहीं है सोनी.
तो देखो उधर ये हो गई ब्रांच ए, इसमें चैनल ए, चैनल ए टू, ए थ्री ऐसे करके बनती जाएगी। इधर चैनल बी, चैनल चैनल बी वन, बी टू, बी थ्री ऐसे करके इसको आगे बढ़ाते जाओ और ये चलती जाएगी कांस्टेंट। एंड बीच में भी बनाना पड़ेगा, इनफैक्ट नाम इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे कभी बाय चांस किसी ने बोला कि मुझे डायमंड मिले तो मैं पूछूंगा कहाँ, तो वो बोलेगा जैसे उसको चैनल ए टू में जाके आगे मिले थे, तो मैं ए टू में आगे जाके देख सकता हूँ, है ना। तो उससे लाइक कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यू नो कहाँ पर है। सो दैट वुड बी अ गुड थिंग। सो इधर आएगा चैनल सी वन, इधर ये हो गई चैनल सी टू और इधर हो गई है चैनल सी थ्री। ये मेरा काम हो गया, इधर बस अब इसमें माइनिंग करते जाओ आगे। एक नोट इधर लगाना है मुझे और इम्पोर्टेंट, लाइट्स हर जगह, इधर भी पेंट कर लो। ओके, होपफुली कुछ अच्छा लाइक मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, बट इधर कुछ आइटम बना के लगानी है। एक मिनट, पिकेस की तो नीड पड़ेगी, सो ऑब्वियसली वो रखना है। कॉबल स्टोन रखने, कुछ वुड रखनी है, वुड नहीं स्टिक्स ही रख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि स्टिक्स लगेगी ऑब्वियसली। एक स्टिक्स का स्टैक रख देता हूँ, स्टोन्स रख देते हैं, ये चेस्ट और रेल वो सब ठीक है। कोल रख देता हूँ थोड़ा, एंड एक बोर्ड रख देता हूँ इधर, दैट्स इट। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ नीड पड़ेगी इधर रखने की। माई वर्क इज डन बॉयज, द स्ट्रिप माइन इज कम्प्लीट फिलहाल, तो लेट्स गो बैक। अमीर हो गए बहुत लोग अभी तो इसमें से अंदर कुछ मिलेगा तब होंगे ना, मिल जाएगा वो, वैसे सही लेवल पे बनाया है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। सनसेट हो रहा है बॉयज, सही लग रहा है।
गैदर करनी पड़ेगी अब बाद में, विल डू दैट लेटर। अरे हाँ, उसने बोला था कि कुछ फ्रेम्स बनाने हैं, चलो मैं जाने से पहले बना देता हूँ, 5 मिनट का ही काम है वैसे। कुछ काओ उसके लिए ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे। सब घुस गई मेरे ऊपर एक साथ। अरे पैर रखने की जगह नहीं है, अबे जाने दो। लो लो, अब मेरे को मारना पड़ेगा इनको, बहुत सारी हो गई हैं। मार रहे हो, लेदर चाहिए होता है ना, लेदर के लिए मारना पड़ता है उनको। 10 लेदर मिल गया, बहुत है अभी। वो तो ब्रीडिंग करके बढ़ जाती काउस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर लेदर चाहिए तो चाहिए, एक ही बार चाहिए होता है लेदर। वैसे भी लेदर का अपने को अभी ज़्यादा काम नहीं है, जब तक तो बुक्स नहीं बनानी तो लेदर का अभी इतना काम नहीं है। आइटम फ्रेम्स चाहिए मुझे इधर। कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि किस में क्या है। तो जैसे अब ये ब्लॉक उठा के ऐसे रख दिया तो मालूम रहेगा कि इसके अंदर डर्ट है, इसके अंदर लो डर्ट, इसके अंदर क्या कर रहे हैं। इसमें ग्रेवल है, मतलब इसमें रैंडम ब्लॉक्स हैं, ये इसमें रेडस्टोन बना हुआ है, मतलब सब मिसलेनियस आइटम्स इसके अंदर हैं, जैसे टॉर्च वगैरह। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वूल रखी थी तो एक वूल लगा दो यहाँ। इसमें वुड है, इसमें आयरन है, इसमें कुछ नहीं अभी। इसमें टूल्स रखे हैं सारे, इसमें फूड रखा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये डेकोरेशन वाली आइटम जो है वो अलग कर देता हूँ इसमें से कम, या जो भी लाइक प्लांटेशन वाली आइटम है वो इसमें से अलग कर देता हूँ कम से कम। जैसे थोड़ा लाइक डिवाइडेड रहता है ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, पता रहेगा कि कौन सी आइटम किस में है, क्या है। कुछ नया इधर डिवाइड करोगे, अभी ये बॉक्सेस खाली हैं तो उसको आप उसके अंदर रख सकते हो जो भी आपको रखना हो।
बहुत ज़्यादा नीचे है, तो नीचे होगा तभी तो वहाँ पे मिलेंगे ना अपने को आइटम्स, इसलिए नीचे इसलिए है वो। चलो गाइस टाइम अप हो गया मेरा। कल देखेंगे कुछ और बनाएंगे इस पे। चलो अभी तो जाता हूँ। चलो गाइज गुड नाइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। ये वैसे ही मैंने बोला था कि शॉर्ट स्ट्रीम रहेगी, फिर भी 2-2.5 घंटे की हो गई, अच्छा रहा, बढ़िया। एटलीस्ट ट्रिप माइंड वाला काम कर दिया हमने, सो कल से मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। सो गाइज अभी चलता हूँ, आई विल सी इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, गुड नाइट, टेक केयर, दिस इज बैड शैंक साइनिंग आउट, बाय बाय।